नहीं उसके सिवा, कोई पुकारे अल्लाह के साथ दूसरा हाकिम, जिसकी सनद नहीं उसके पास, तो उसका हिसाब है उसके रब के नजदीक, बेशक बला न होगा मुनकरों का और उनसे। स्पीकर पर नजर नहीं रखा गया, इसलिए ये बजट आवाम दोस्त नहीं बल्कि आवाम दुश्मन बजट है। हमने ये भी कहा आपने क्या है जनाब, कार्रवाई शुरू करना है ना, मैंने कहा शायद इंपॉर्टेंट कोई इश्यूज को रेज करें, ये इससे बढ़कर इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं, ये तो हो गया ना, बजट बजट लोगों की उम्र के मुताबिक नहीं हो, और यहाँ कागजों में ये बजट आया तो यहाँ पेश किया है, बजट पेश किस वजह पे, इस बजट से मुतालिक तो स्पीकर के पास बोलना पड़ेगा। अल्लाह साहब भी और बाकी लोग भी बड़े फखर से कहते हैं हमारे यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट में भी एम्बुलेंस इस बजट को मुस्तरद कर रहे हैं, और इस बजट पर लोग देखेंगे ये जो जी मलिक साहब बताया है हो गया, जहाँ से जो व्यवस्था भी आया है ये सारी चीजें लोगों के सामने आ गई और उसमें पेश किया गया है, और जिस तरीके से इसकी ये 12,000 रुपए दीगर स्कीम रुख्सत मंजूर हुई। बलोचिस्तान मालियाती मसौदा कानून मुसद्दरा 2020। आप हमारे हकूक के मुहाफिज हो क्या, आप कानून के मुताबिक चल रहे हैं जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब है, पूरे अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ऑलरेडी तकरीर हो चुके हैं, जो चीज हो चुके हैं उनको आप टाइम दे, मुझे अपने बताएं कि क्या करना है, बिल भी टेबल हो जाएगा, ये पास भी हो जाएगा, जिस तरह बाकी पास किया गया बिल्डोज किया गया ये भी हो जाएगा, तो इनका अरमान पूरा हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने अपने आवाम के हकों की आवाज क्या बुलंद करनी है, का जेर गौर मंजूर किया जाना। वजीर खजाना बलोचिस्तान मालियाती मसौदा कानून मुसद्दरा 2020 मसौदा कानून नंबर 1 मुसद्दरा 2020 की बाबत तहरीक पेश करें। मैं वजीर खजाना तहरीक पेश करता हूं कि बलोचिस्तान नहीं, कानून नहीं बनता, नहीं इसमें स्पीच है नहीं, नहीं नहीं स्पीच है नहीं, 1 मसौदा 2020 को फिर फोर जेर गौर लाया जाए, स्पीच नहीं, इसके बाद दे दूंगा, इसके बाद दे दूंगा, इसके बाद दे दूंगा, तहरीक पेश हुई। आया बलोचिस्तान मालियाती मसौदा कानून मुसद्दरा 2020 मसौदा कानून नंबर 1 मुसद्दरा 2020 को फिल फोर गौर लाया जाए, तहरीक मंजूर हुई। बलोचिस्तान मालियाती मसौदा कानून मुसद्दरा 2020 का मुसद्दा कानून नंबर 1 मुसद्दरा 2020 को फिल फोर गौर लाया जाता है। वजीर खजाना बलोचिस्तान मालियाती मसौदा कानून नंबर मुसद्दरा वजीर खाना खजाना बलोचिस्तान मालियाती मसौदा कानून मुसद्दरा 2020 मसौदा कानून नंबर 1 मुसद्दरा 2020 की बाबत अगली तहरीक पेश करें। मैं वजीर खजाना तहरीक पेश करता हूं कि बलोचिस्तान मालियाती मसौदा कानून मुसद्दरा 2020 मसौदा कानून नंबर 1 मुसद्दरा 2020 को मंजूर किया जाए, तहरीक पेश हुई। आया बलोचिस्तान मालियाती मसौदा कानून मुसद्दरा 2020 मसौदा कानून नंबर 1 मुसद्दरा 2020 को मंजूर किया जाए, मंजूर, तहरीक मंजूर हुई। बलोचिस्तान मालियाती मसौदा कानून मुसद्दरा 2020 मसौदा कानून नंबर 1 मुसद्दरा 2020 को मंजूर किया जाता है। अखराजात के मुसद्दका गोशवारों का ऐवान की मेज़ पर रखा जाना। वज़ीर ख़ज़ाना मंजूर शुदा अखराजात के मुसद्दा मुसद्दका गोशवारे ज़मनी मीज़ानिया बाबत माली साल 2019-2020 और सालाना मीज़ानिया बाबत माली साल 2020-2021 की ऐवान की मेज़ में रखें। मैं वज़ीर ख़ज़ाना मंजूर शुदा अखराजात के मुसद्दका गोशवारे ज़मनी मीज़ानिया बाबत माली साल 2019-20 और सालाना मीज़ानिया
बाबत माली साल 2020-21 ऐवान की मेज पर रखता हूँ। जी जी मुबारक हो। क्यों खुश होते हो जेल जाने के लिए? हाँ बस वो तकरीबन वो जैसे अख्तर लांगो ने कहा कि उसके घर के साथ ही क्वेटा जेल है, वो तकरीबन हमारा घर रहा है बचपन से। तो मेरे इलाके को इन दो सालों में उसकी गुर्बत और उसकी पसमानगी को देख के जितनी मेहरबानी मेरे कैद ने की और मेरे दोस्तों ने, मेरे फैनास से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर सब ने, मेरी पूरी जितनी मेरी समझें कि पॉलिटिकल लाइफ है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैं बेहद मशहूर हूँ अपने कायद का और अपने जो मेरी ब्यूरोक्रेसी है, मेरे दोस्त हैं उनका। आज मेरे मुखालफिन के पास कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो बोल सकें कि जी बारखान में वो सहूलत आज मौजूद नहीं है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज, बीआरसी, लोरलाई यूनिवर्सिटी का सब कैंपस, और फिर एक हम मांगने वाले लोग हैं। जैसे इमरान खान कहता है कि हमने कब कहा आप नहीं मानने वाले जी? आप भी, आपसे आपने भी बड़ा नहीं, हमने कब कहा आप नहीं मानने वाले? नहीं, मैं मांगने वाला हूँ। आपने, आपका दौर आया एक मुख्तसर दौर था, आपने भी बहुत मेहरबानी की, मैं उस चीज़ का भी आपका भी मशहूर हूँ जनाब स्पीकर साहब के। कलील अरसा आप रहे लेकिन उसमें जितनी आपने मेरे इलाके पर तवज्जो दी, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। लेकिन आज मेरे इलाके में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सड़कें, 1.5 अरब रुपए की रोड रखनी टू बारखान, फिर आगे तकरीबन 1 अरब रुपए की रोड बारखान टू कोलू, इसी तरीके से फिर कोलू से आगे हमें सिब्बी तक मिलाया गया, इसी तरीके से देराबुक्टी को मिलाने के लिए तकरीबन 3.8 अरब की रोड, और फिर जो इलाके की पसमानदगी के हिसाब से मेरा ख्याल है लोगों ने ख्वाब में भी इतने डैम, इतनी सड़कें, इतनी वाटर सप्लाई नहीं देखी होंगी जो इनको दो सालों में इस मौजूदा सूबाई हुकूमत ने दिए। तो मैं दुआई कर सकता हूँ, मैं इसके अलावा तो क्या क्या शुक्रिया कि मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है अपने कैद के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सारे मेरे जो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, हर तरीके से इनके जो है ना तआवुन के लिए। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा जनाब स्पीकर साहब, बाकी भी लोग हैं, मैं दिली तौर पे अपने कायद को जी सलाम पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, और एक छोटी सी गुजारिश भी करता हूँ कि 6 अजला 7 अजला हैं रखनी, जो रखनी को टच करके पंजाब के पी के और ये जाते हैं बारखान, कोलू, देराबुक्टी, मुसखेल, दुग्गी, लोरलाई, इवन चमन की भी। बजट स्पीच तो खत्म हो गया सर, ये मुबारकबाद का हम स्पीच सुनेंगे। तो ये सारी ट्रैफिक और सारा सिलसिला रखनी एक हब है, उससे फिर पंजाब के पी के और सिंध को जाती है जी, और N70 भी उसको लग रहा है। तो मेरी झोली है कायदे अवान की तरफ के, वहाँ पे 25-30 बेड का एक हॉस्पिटल अपने किसी भी फंड से अगर वो ऐलान आज कर दें तो ये एक बारखान के खेतरानु पर ऐसा नहीं होगा। मेरे पास टोटल 2 बेड का हॉस्पिटल है। आपने कहा सब कुछ हो चुका है फिर भी अब? हाँ, तो ये नहीं, एक ये मेरा नहीं है, ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट का साझा मसला है, एक नेशनल हाईवे पर आ जाएगा ये। सब की दुआएं 6-7 डिस्ट्रिक्ट की आपके लिए होंगी मेरे कायद, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा तारीफ इसलिए था, थैंक यू वेरी मच। अपना अजारा साहब, मेरे ख्याल बजट स्पीच हो चुका है अब कायद नहीं, वो तो आपने दिया पिछली दफा जब बजट सेशन चल रहा था ना, अभी तो सिर्फ कायद ऐवान का स्पीच बच गया। नहीं अभी आपने दिया ना उसने, शुक्रिया आपने, वो आपने किया ना स्पीच किया, अब वो फिर सब शुरू हो जाएंगे, बस एक आधा मिनट का जी डिप्टी स्पीकर, आधा मिनट में
तारीफ नहीं करना है, सिर्फ वो कोई अगर इश्यूज है। शुक्रिया जनाब स्पीकर, बजट के हवाले से मैं बात नहीं करूँ। वो आपने किया है ना, वो तो आपने किया ना, उस टाइम जाम साहब नहीं था अभी सामने सामने जी। नहीं स्पीच नहीं है, अभी स्पीच नहीं है। मैं बजट के शुक्रिया जनाब स्पीकर, बजट के हवाले से जो है मेरी बात कंप्लीट हो गई है। ये एक रिक्वेस्ट आपके तहसुस से मैं जाम साहब से करना चाहता हूँ। ये बलूचिस्तान असम्बली सेक्रेटरीट के जितने भी मुलाजमीन हैं और एमपी हॉस्टल के, उन्होंने पिछले साल मुझे एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनसे ये वादा भी किया था कि जाम साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बलूचिस्तान में उनके लिए कहीं भी ज़मीन जो है अलाट की जाए ताकि वो अपने घर बना सके। तो आपके तवसुत से आज के दिन मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको भी मैं ये कहता हूँ और जाम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के दिन अगर वो असम्बली सेक्रेटरीट मुलाजमीन के लिए और एमपी हॉस्टल मुलाजमीन के लिए, क्योंकि जितने भी महकमे बलूचिस्तान में उनके लिए कहीं ना कहीं ज़मीनें मुख्तस की गई हैं, तो काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारे जो सेक्रेटरीट और एमपी हॉस्टल के मुलाजमीन हैं उनके लिए अगर जाम साहब आज कोई स्पेशल होकर। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। जाम साहब इससे पहले कि आपको दावत दूँ कि आप वो करें, आपने एक दो मीटिंग में भी कहा था कि असम्बली, एक नए असम्बली की बिल्डिंग के लिए अगर वो भी, और जो हमारे डिप्टी स्पीकर ने कहा अगर इसमें अब मेहरबानी करेंगे। बाकी तमाम दोस्तों का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने बात सुना, क्योंकि आज कायदे वन का हमने स्पीच सुनना है और आप तमाम दोस्तों ने वैसे भी स्पीच भी किया, मुबारकबाद भी दिया और खुश असलूबी से आप लोगों ने जिस तरह चीज़ों को चलाया, मैं आप सबका मशकूर हूँ। जी जाम कमाल साहब कायदे वन, थैंक यू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। जनाब ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले तो जिस तरह हमारे दूसरे दोस्तों ने आज एक बहुत अफसोसनाक सानिया के हवाले से अफसोस किया है, हम मेरे ख्याल बलूचिस्तान असम्बली की तरफ से भी इस वाक़े के लिए और इसके साथ साथ कई और ऐसे वाक़ात हैं जो पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान में रूनुमा हुए, हम उन सब की मज़म्मत करते हैं। साथ साथ मेरे ख्याल आज हमारे एक जो बजट का नया साल इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है, इस साल के हवाले से हमारे पूरी असेंबली की तरफ से, हमारे पूरे पार्लियामेंट की तरफ से ये पैगाम और ये कंडोलेंस और ये ताज़ियत बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में और साथ साथ पूरी दुनिया में जितने भी अमवात इस बीमारी की वजह से हुए हैं, हम सब उसके लिए दुआगो हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस वबा से हमारी हिफाजत फरमाए और जिन लोगों की अमवात हुई हैं उनको सब्र दे और उनके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े हमेशा खुले रखे। जनाब स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले अपने कोलिशन पार्टीज़ का बहुत मशहूर हूँ, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी है, जिसमें हमारे पास बीएनपी अवामी है, एहसान शाह साहब हैं, हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अजारा डेमोक्रेटिक है, जमहूरी वतन पार्टी है और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमारे अपने मेंबरान हैं कि मैं कोलिशन गवर्नमेंट के मेंबरान, उनकी पार्टी, काबीना के अराकीन, इन सब का बड़ा मशकूर हूँ कि ये बजट, हम सब का बजट जो हम सब ने मिल के बनाया है, इसके लिए जो मुआवनत पार्टीज़ की तरफ से हुई, मेंबरान की तरफ से हुई, मैं इन सब का भी और आप सब का बड़ा मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूँ, आपने इन दिनों जिस सब्र के साथ, इखलास के साथ, एक बड़े अच्छे अंदाज में असेंबली का सेशन, इस पूरे बजट का चलाया। यकीनी तौर पे पिछले साल के बजट से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें इस साल के बजट में माहौल भी बहुत बेहतर मिला, चीज़ों को हमने बड़े अच्छे अंदाज में इस दफ़ा होते हुए भी देखा। इसके लिए मैं आपका और आपके सेक्रेटरीट के सारे लोगों का भी बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने इस पूरे बजट में मेहनत की और अपना इनपुट इस सब में डाला। मैं साथ साथ
बलूचिस्तान हुकूमत के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस इदारे हैं, मैं सबसे पहले तो हमारे कैबिनेट मेंबरान के डिपार्टमेंट्स के जो कंसर्न सेक्रेटरीज हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो खुद हैं, उनको दाद देना चाहता हूं कि उनकी तरफ से जो एक इनपुट इस पूरे बजट में आया है जिसमें उन सब ने बड़ी मेहनत की है, इसके साथ साथ वो महकमे जो इसके अलावा हैं, मैं उन सब का बड़ा मशकूर हूँ, खासकर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, ACS डेवलपमेंट, फाइनेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके हवाले से जनाब जऊर साहब जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस बजट के हवाले से, उन सब सरकारी इदारों और इन सब का मैं बड़ा मशकूर हूँ जहाँ इन सब ने मेहनत की और बलूचिस्तान का 2020-2021 का बजट के लिए मुआवनत की और जिसे हमने पेश करके मंजूर फरमाया। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपोजिशन का भी बड़ा मशकूर हूँ कि इस साल कम अज़ कम हमने थोड़ी बहुत, ये तो हिस्सा भी है जैसे हमने नेशनल असेंबली में बाकी जगह भी देखे, लेकिन इस साल हमने कम बैनर देखे, कम किताबें फटती हुई देखी, कम अखलाकियात से चीज़ें आगे बढ़ती हुई देखी। इस दफ़ा मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने भी इस दफ़ा एक बड़ेपन का इजहार किया और यकीनी तौर पे अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, हमारे चंद दोस्त भी उनके पास गए थे कि आप लोगों का एक बहुत अच्छा रवैया रहा, और अगर हम इसको इख्तिताम भी अगर इसी रवैये के साथ करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर अपोजिशन के मेंबरान भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं या आपके तवसल से अगर वो अगर यहाँ आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी स्पीकर साहब कि वो इस बजट को भी हम इख्तिताम एक अच्छे अंदाज में आज कर लें। मैं मीडिया का बड़ा मशकूर हूँ, सोशल मीडिया का, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जनाब स्पीकर साहब, कि उन्होंने बलूचिस्तान के इस पूरे बजट को कवर किया, सारे डिपार्टमेंट्स के मामलात को कवर किया, सेशन के मामलात को कवर किया और बलूचिस्तान के हवाले से ये जो आगाही है जिसे हम समझते हैं कि हम जब इस माइक पे बात करते हैं या किसी भी फ्लोर पे बात करते हैं, हमारी आवाज़ को आगे ले जाने में जो सबसे बड़ी मावनत है वो मीडिया की है। तो मैं मीडिया के सारे ग्रुप्स का, यहाँ पे बलूचिस्तान के खासकर उनके जितने भी नुमाइंदगान हैं, मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस बजट को कवर किया। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पूरे साल को खैर से हमारे लिए आफियत, अमन, बेहतरी और ख़ासकर इन जो चैलेंजेस का हमें आगे सामना करना होगा इसमें हमारी मदद पर फरमाए ताकि हम बलूचिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें, अपनी कारकर्दगी और बेहतर बना के आगे दिखा सकें। जनाब स्पीकर साहब, किसी भी हुकूमत के लिए अपनी कारकर्दगी को बयान करना सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब वो अपनी कारकर्दगी का कंपैरिजन या उसका एक जो बैलेंस है वो अपने माजी में, अपने ही एक दौर में, अपनी हुकूमत के एक साल या दो साल की कारकर्दगी पर ला सके। मैं यकीनी तौर पे इस पे ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट जब हमने 2018 में संभाली, यकीनी तौर पे हर हुकूमत के अपने चैलेंजेस होते हैं। आप जब वज़ीर आला थे आपके चैलेंजेस अपने थे, आपसे पहले नवाब सनाउल्लाह साहब थे, उनसे पहले डॉक्टर मालिक साहब थे, इसी तरह जनाब असलम रहसानी साहब थे और चूँ जितने भी मेरे वाले साहब भी रहे हैं। तो हम जितने भी हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं हमारे अपने डायनेमिक्स होते हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए चैलेंज होता है, कभी पावर्टी होता है, कभी ड्राउट होता है, कभी एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। मैं हतमी तौर पे कभी भी किसी हुकूमत को कमज़ोर या लेस परफॉर्मेंस नहीं कहता, क्योंकि हमें हर हुकूमत के अपने मामलात को देख के फिर कुछ फैसले और फिर कुछ तज्जिये करने होते हैं। और जो शायद मैं आपकी जगह हूँ, आप मेरी जगह हो या मैं किसी और की जगह हूँ, हम उनका सही तज्जिया नहीं लगा सकते। लिहाजा मैं यही बेहतर समझता हूँ कि हम इस जो 2018 के बाद जिस एक गवर्नेंस के सेटअप में जो चीज़ें हम ला रहे हैं आस्ते आस्ते, ये इंशाल्लाह वो बेंचमार्क बनेंगे जिनके ऊपर आने वाले हुकूमत अपनी कारकर्दगी को एक बेस बना सकते हैं। और वो सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम ऑफिशियली कुछ चीज़ों की तरतीब देंगे, और जब तक अगर हम इस तरह की चीज़ों की तरतीब नहीं देंगे तो हम भी एक तरीक़ेकार सही तरीके से बना नहीं सकते। मैं अमूमन दोस्तों को कहता हूँ कि जब एक स्कूल में एक बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसकी जो मार्किंग सालाना आती है वो किसी एक परफॉर्मेंस पे या एक कमजोरी पे नहीं आती, उसकी यूनिवर्सिटी उसका एक पूरा तजिया उस स्टूडेंट का लेती है।
कि इनिशियल ईयर में इसने अपने पहले सेमेस्टर में क्या किया, इसने अपने टेस्ट में कैसे मार्क्स लिए, इसकी पार्टिसिपेशन अपने क्लास में कैसी थी, इसका रवैया कैसा था, इसने अपने बाकी मिड टर्म में या फाइनल टर्म में किस तरह फाइनल मार्क्स लिए, और फिर तज्जिया पूरे साल का बन के फिर उसको मार्क्स दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ, न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि इस मुल्क में इस चीज़ का एक बड़ा फुकदान है कि हम 10 में से दो आदमी दो काम सही नहीं करता और 8 काम उसके अच्छे होते हैं, हम उस दो कामों में उसको पकड़ के उसकी पूरी कैरेक्टर को ख़राब कर देते हैं, उस महकमे को ख़राब कर देते हैं। और कहीं कहीं इसका उलट भी होता है, कहीं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमजोरियां दिखाते हैं लेकिन एक काम अच्छा कर लेते हैं, वहां उनकी वाह वाह बहुत होती है। हम ये समझते हैं कि हमें इन चीज़ों का बदलना चाहिए, हमें लोगों के लिए एक बड़ा होलिस्टिक एक अप्रोच रखना चाहिए जहां हम उनकी हर चीज़ की परफॉर्मेंस का एक तरीकाकार बनाए कि ये डिपार्टमेंट है, ये इदारा है, ये किस तरह काम कर रहा है, इसके क्या KPIs होने चाहिए, इसके क्या क्या टास्क थे, इसने क्या टाइम पे किए नहीं किए, सूबे को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ों का तज्जिया करके फिर हम अपने एक डिसीजन पे लाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले वक्तों में जब भी किसी भी हुकूमत किसी इदारे किसी डिपार्टमेंट किसी इंसान किसी पार्लियामेंटेरियन किसी मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाएगी तो वो कम से कम अपनी पूरी परफॉर्मेंस के हवाले से हर चीज़ वाजे कर सकेगा और किसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेगा। और जनाब स्पीकर साहब, हमने भी इसी तौर पे सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चैलेंजेस का सामना करते हुए चीज़ों को आगे ले गए। 2018 की हुकूमत जब आई, हमें यकीनी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे मैंने कहा कि हर दौर के अपने चैलेंजेस होते हैं, हमारे लिए जो सबसे बड़ा, सॉरी आपको मुदाखलत कर रहा हूँ, PTV के अभी तक उन्होंने लाइव इसको चला नहीं रहे हैं, इतने इम्पोर्टेंट सेशन को और कायदे वान इसमें स्पीच दे रहे हैं, तो PTV को हम कहते हैं कि इसको हमारे अपने चैनल गवर्नमेंट चैनल हमें कवरेज नहीं दे देंगे, बाकी चैनलों से हम क्या उम्मीद करें कि वो हमें कवरेज देंगे। तो सॉरी जम सर। तो जनाब स्पीकर साहब, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट और हमने जब मुश्तरका तौर पर अपनी बहुत सारी मीटिंगें इजलास किए तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आईं जिनमें हम सब ने मुश्तरका तौर पे महसूस किया कि गवर्नेंस मॉनिटरिंग एवेल्युएशन रिफॉर्म्स लॉज अमेंडमेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन फिस्कल और ये सारी चीज़ें नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं लॉ एंड ऑर्डर के साथ, जब तक कि कोई हुकूमत नहीं करेगी तो वो हुकूमत अपनी कारकर्दगी कभी आवाम को एक अच्छे अंदाज में बयान नहीं कर सकेगी। आज ऑपोजिशन ने, जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने एक बात की कि जनाब ये एक आवाम दुश्मन बजट है, ये दो अल्फाज कहने को तो बहुत आसान है लेकिन अगर कभी कोई किसी से बात करे कि जी आवाम दुश्मन अगर हैं तो किन वजूहात की वजह से हैं, और अगर आवाम दोस्त भी हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इसको आवाम दोस्त कहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी कैबिनेट और सारी पार्टीज़ ने मिलकर जो बजट बनाया है कि हमारे बजट को आवाम दोस्त किस तरह बना रही है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर रोशनी डालूं और फिर ये फैसला हम आवाम पे छोड़ें, फिर ये फैसला हम तज्जियाकार लोगों पे छोड़ें, फिर हम ये फैसला उन लोगों पर छोड़ें जो सोच और फिक्र रखते हैं, जो लोगों के मसाइल को देखते हैं, जो उन मसाइल का शिकार हैं, और उसके बाद अगर ये बलूचिस्तान की आवाम ये फैसला करती है कि 2020 और 21 का बजट आवाम दुश्मन है और दोस्त नहीं, फिर उसके कसूरवार हमारी गवर्नमेंट ज़रूर होगी। लेकिन सिर्फ मैं माइक पे आके ये कह दूं कि ये आवाम दुश्मन है और फिर मैं ये भी बोल दूं कि आवाम दोस्त है तो ये इंसाफ का तकाजा नहीं होगा। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह ये चंद चीज़ें थी जो मैं समझ रहा था कि जिनको आस्ते आस्ते जिस तरह हम जिस पे हम बात करेंगे, जिस पे हम अपनी तज्जिया लाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी उस पे हम बात करेंगे। मैं जनाब स्पीकर साहब अपनी शुरुआत, क्योंकि हमारा ये दूसरा बजट है, एक तरह से तीसरे साल का दूसरा बजट है, क्योंकि पहला बजट पिछली गवर्नमेंट ने जब किया था उसके बाद हमने वो पूरा बजट चलाया और उसके बाद फिर हमने अपना पहला पेश किया, फिर आज हम दूसरा पेश कर रहे हैं। एक तरह से फाइनेंशियल ईयर हमारा 3 है और इसके बाद जो भी आएगा। और हमने इस पूरे साल में क्या किया, हमने पिछले बजट में क्या किया,
हमने वो कौन सी चीज़ें थी जिनसे हमने लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया, हमने पब्लिक के लिए वो कौन सारे सारे काम किए, वो कौन सी चीज़ें थी जो शायद एक हुकूमत अपने हवाले से बोल सके। मैं कोशिश करूँगा इसको दो हिस्सों में तकसीम कर, एक तकसीम मैं करूँगा डेवलपमेंट साइड में और एक मैं तकसीम करूँगा नॉन डेवलपमेंट। अमूमन तरक्याती कामों को हमेशा समझा जाता है कि तरक्याती काम ही असल तरक्की का एक मेन वजह बनती है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मैटर होते हैं, आपके पॉलिसी फॉर्म्स होते हैं जो उनसे भी बहुत बड़ा एक रिलीफ देते हैं पब्लिक को, जो चीज़ों को बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन अमूमन उसकी तरफ हमारी नज़र बहुत कम जाती है। हम अगर अपोजिशन बन के भी तकारीर करते हैं तो हमारा मेवर हमेशा ये रहता है कि जी मेरे ज़िले में ये काम नहीं हुआ, मेरे ज़िले में ये स्कूल नहीं दिया, मेरे ज़िले में आपने ये नहीं दिया, लेकिन हम कभी पॉलिसी मेकिंग या हमारे डिपार्टमेंट्स के जो बाकी मैटर्स हैं उनकी तरफ हमारी हमारा रेफरेंस एक बहुत कम जाता है। जनाबे स्पीकर साहब, माजी की तरह हमने जैसे एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ों का एक स्टार्ट लिया और जिसमें हमारे कुछ मेंबर्स भी बैठे थे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं जो कुछ टाइम बाद स्टार्ट होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो फॉरेन इनिशिएट होते हैं। हम आप चाहे उसमें अगर आप ये समझें कि रेजिडेंशियल कॉलेजेस का हो, आप ये समझें कि बोर्डिंग स्कूल्स का हो, आप उसके साथ अगर डिजिटल लाइब्रेरीज का समझें, आप उसके साथ मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से प्लानिंग स्ट्रेटजी समझें, या आप कम से कम उन चीज़ों के हवाले से समझें कि जो ज़रूरी होती हैं, इस हुकूमत ने अपनी कोशिश की कि इन चीज़ों को आगे की तरफ ले जा सके। लेकिन हमने सबसे पहले ये महसूस किया कि जब तक एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी तो ये सारे प्लान और ये सारी चीज़ों को एक मंजिल तक पहुँचाने के लिए बड़ी मुश्किल होंगी। तो हमने अपनी पहली कोशिश की कि हम मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को थोड़ा बेहतर करें ताकि हम जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा किसी न किसी अच्छे अंदाज में चीज़ों को आगे ले जा सके। और उसमें जनाब स्पीकर साहब, ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे हमने PSDP फाइनेंशियल चीज़ों की रैशनलाइजेशन की। मैं यकीन कह सकता हूँ कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी न किसी वजूहात की वजह से रह गई होंगी। मैं नहीं कहता कि उनमें बहुत सारी चीज़ें सारी कमज़ोर थी, लेकिन एक अक्सरियत हमने देखा कि इस PSDP में एक अक्सरियत ऐसी स्कीमों की हैं जो बहुत अरसे से चल रही हैं, किसी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचती हैं, या जिनको तरीक़ेकार जिनका ठीक नहीं बनाया होता है। तो हमने एक बहुत बड़ा स्टेप उस पर लिया जो आज तक भी चल रहा है, लेकिन हमने उस प्रोसेस को टोटल ख़त्म नहीं किया। क्या हम ये नहीं कह रहे कि शायद 6 महीने पहले जो एक चीज़ हमें उस वक्त बेहतर नहीं लग रही थी हमने उसको कैप्ड और दूसरी स्कीमों में रखा है जिस पे बाकायदा डिलिब्रेशन हो के अगर ये सही आती है तो हम इनको वापस भी रख सकते हैं। और इसी सिलसिले को बेहतर करने के लिए हर माह, ये हमारे बहुत सारे कैबिनेट के मेम्बरान भी बैठे हैं, यकीनी तौर पर हर महीने 2019 से 2020 साल के जो हमारा एक साल का पीरियड अभी गुजरा है, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि इस PSDP को हम बड़ा रेगुलर फॉलो करें और देखें कि कौन सी चीज़ों की DSEs हुई हैं, कितनी PDWPs हुई हैं, कितने टेंडर हुए हैं, कितने अपने टेंडर स्टेज के बाहर निकल के ग्राउंड पे जिनके वर्क ऑर्डर्स मिल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किस तरह कर रहे हैं, सुपरविजन उनकी कैसी होनी चाहिए, CMIT का अपना क्या रोल हो, डिपार्टमेंट का अपना क्या रोल, कमिश्नरेट अपना क्या फीडबैक दे रहा है, सोशल मीडिया से हमें क्या फीडबैक मिल रहा है। ये वो सारे काम है जिनको हमने इस पिछले एक साल में पूरी कोशिश की कि इम्प्लीमेंट करें ताकि बलूचिस्तान का एक एक पैसा जो अब इस सूबे में लगे वो बहुत हद तक एक अच्छे अंदाज में लगे और ज़ाया ना हो। इसी तरह हमने कोशिश की कि हम कुछ ऐसे इकदाम और भी करें जिनसे हमारा एक मेकैनिज़म एक नीचे लेवल पे चीज़ों को इस तरह से देखा जाए कि ये गवर्नमेंट अपनी हर स्कीम के लिए बड़ी सीरियस भी है। पहली दफ़ा बलूचिस्तान में PC1 के अंदर GPS कोऑर्डिनेट का एक हमने प्रपोजल फ्लोट किया, यानी कि इस साल से पहले और इस साल की जितनी भी आपकी स्कीमात हैं, अगर हम में से कोई भी ये समझता है कि वो एक स्कीम को भी उसकी कम से कम लोकेशन मालूम कर सके कि ये स्कीम पूरे बलूचिस्तान में ये स्कूल, ये नाली, ये रोड, ये पानी की स्कीम कहाँ बन रही है, तो वो उस कोऑर्डिनेट को डाल के गूगल मैप या किसी और मैप के थ्रू कम से कम वहाँ दे सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन यहाँ है। जिससे हमें एक और बड़ा फ़ायदा क्या मिलेगा कि हम जब माजी में अपनी स्कीमात को भी इसी फॉर्मेट पे लाएंगे इंशाल्लाह इस पूरे साल, तो हम पुरानी स्कीमात और नई स्कीमात और बनने वाली स्कीमात जब तीनों को एक साथ डालेंगे
तो हमें डबलिंग और या ट्रिपलिंग या बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो निशानदगी आती है, हम उन चीज़ों से भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हम CNW में एक बहुत बड़ा अच्छा निज़ाम ला रहे हैं कि एक ट्रैक सिस्टम भी हम बना रहे हैं कि CNW डिपार्टमेंट अब जितने भी रोड बनाएगी उसका बाकायदा एक डिजिटल ट्रैक बनेगा। उस डिजिटल ट्रैक का फ़ायदा ये होगा कि जब हम माजी के दूसरे रोड उस पर डालेंगे तो हो सकता है कभी कभी डिपार्टमेंट्स गलत नाम या किसी और तरीके से उसी स्कीम को रिपीट करते हैं और वो टेंडर भी कभी कभी हो जाते हैं और कभी कभी दिखाए जाते हैं उन पर काम भी हो चुका है। अब ये मुमकिन बहुत कम मुश्किल होगा क्योंकि जब वो अपना पुराना या नया PC1 लाएंगे और जो इस बजट में हमारा PC1 मंजूर हुआ है, जब उसका ये ट्रैकिंग सिस्टम रोड का उसके साथ मिलाया जाएगा तो वो रोड खुद बताएगा कि यहाँ पहले काम हो चुका है या मजीद अभी आप काम करने की जरूरत नहीं है, या ये PC1 अगर बना भी है तो ये किन वजूहात की वजह से बना है। जनाब स्पीकर साहब, हमारी हतमन कोशिश रही है कि हम पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स को, मैं दाद दूंगा हमारे कैबिनेट के मेंबरान को और हमारे जो MPAs हैं, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है बहुत जगहों पे जहाँ ये महसूस किया है कि हम बलूचिस्तान में रहते हैं, यकीनी तौर पे हमारे पास लोग आते हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट हैं, दूसरे लोग हैं, सियासी लोग हैं, हर आदमी की कोशिश करता है कि वो किसी न किसी ऐसे जगह पे काम करे जहाँ वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। लेकिन मैं कैबिनेट का मेंबर्स का बड़ा मशकूर हूँ और MPS का भी कि हमने जब भी कुछ फैसले किए हैं उनमें मुश्तरक तौर पर कुन चीज़ों को कम से कम एक बेंचमार्क ज़रूर बनाया है जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। और यकीनी तौर पे जहां हमारे डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हमारे ऑफिसर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन पर एक अकाउंटेबिलिटी होगी, हमारे हलकों में उसका इंशाल्लाह उसकी अफादियत को हम और बेहतर होते हुए देखेंगे। जनाब स्पीकर साहब, हमने दो चीज़ों का एक नई शुरुआत कराई, पहले भी होती थी लेकिन काम नहीं करती थी, चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट, एक जो CMDU का है मॉनिटरिंग डेवलपमेंट यूनिट के नाम से है कि जो कम से कम पूरे सूबे में मुख्तलिफ अजला में डिपार्टमेंट्स में चीज़ों को देखे कि क्या परफॉर्मेंस उनकी है, क्या नहीं है, किस चीज़ों पे कमी बेशी है। कभी कभी बहुत सारे हमारे मेंबरान हैं, इलाके हैं, उनकी चीज़ें रह जाती हैं, फॉलोअप उनका सही नहीं होता, उस मेकैनिज़म को भी हम अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस में बहुत बेहतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह सबसे पहली दफ़ा फाइल ट्रैकिंग सिस्टम का सिस्टम जो पहली दफ़ा बलूचिस्तान में हमने इशू किया है, जिससे बहुत चीज़ों को फ़ायदा मिला है। पहले हमें कभी नहीं पता चलता था कि चीफ मिनिस्टर या किसी भी इदारे से, किसी डिपार्टमेंट से एक फ़ाइल है, एक समरी है, वो कहाँ पे है, किसके पास है, किस सेक्रेटरी की टेबल पे, किस डिपार्टमेंट में है, कितने दिनों से है, कब गई थी, कहाँ तक प्रोसेस गया। आज सेक्रेटरी साहिबान, मिनिस्टर साहिबान अपने ही रूम में बैठे बैठे और हम यहाँ पर या चीफ सेक्रेटरी साहब, हम ये सब देख सकते हैं कि ये मुतलका फ़ाइल किस डिपार्टमेंट के डेस्क पे कब से रखी हुई है। और फिर उसकी हम मंथली एक शीट निकालते हैं जहां बाकायदा उस डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि इस फाइल ने आपके पास ये 2 महीने से थी या 3 महीने से थी, ये किस वजह से आपने इतना टाइम लगाया, क्यों इतनी देरी हुई। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मसला वक्त का है कि काम अगर देर से होने लगे उनके मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर कहीं ना कहीं हवाले से हम शायद उस पर गुजारा कर लें, लेकिन फाइल वर्क, समरी वर्क, डिपार्टमेंट के प्रोसेसेस वर्क अगर वो स्लो किसी हवाले से हो जाएं तो उनमें एक बहुत बड़ी कबाहत आ जाती है और वो उसकी परफॉर्मेंस को बड़ा वीक करती है। और ये शायद यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे साल में तकरीबन 2 साल होने को आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कोई 6,500 समरीज अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिपार्टमेंट्स और बलूचिस्तान गवर्नमेंट प्रोसेस कर चुकी है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास इन सब चीज़ों का है, ताकि ये चीज़ें थोड़ी बेहतर अपने अंदाज में कर सकें। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो हमें मैटर नज़र आया वो डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ों को एक फॉलोअप के अंदाज में था कि जहाँ पे जिम्मेदारी दी जाए कमिश्नरेट्स को, डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे पास कई कमिश्नर्स और कई कमिश्नरेट्स पे डिविजनल लेवल पे डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, 20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, एग्रीकल्चर के होंगे, फॉरेस्ट के होंगे, CNW के हैं, कुछ काम नहीं करते, या तो एक्सीएंट डायरेक्ट काम करता है या तो फिर सेक्रेटरीट काम करता है, ये लोग इनका कोई काम ज़्यादा इनसे लिया नहीं गया। और हम अभी कोशिश अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं कि ये जो डिविजन्स में हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी अफादियत बढ़े, ये अपना काम ज़्यादा बेहतर करें, इनसे काम इनको हम फैसिलिटेट करेंगे तो ये आगे जाके काम बेहतर कर सकेंगे। मैं एक चीज़ की तरफ जनाब स्पीकर साहब, जहां मैं मॉनिटरिंग, इवेल्यूएशन और परफॉर्मेंस और गवर्नेंस की बात बता रहा हूं, साथ साथ फिर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट किसी भी हुकूमत में डेवलपमेंट का आता है,
और हर हुकूमत को उसके डेवलपमेंट बेंचमार्क से नापा तोला जा सकता है। मैं यहाँ पे बैठे जनाब ज़हूर बुलेदी साहब को, पीएनडी को और डिपार्टमेंट्स के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं आज इनको दाद देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये पहली हुकूमत होगी जो इंशाल्लाह ताला अपने पीएसडीपी में से एक साल में 70 अरब खर्च करके पूरे साल में जारी होगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ माजी में मैं सुन रहा था जब हम बजट पेश कर रहे थे तो अपोजिशन की तरफ से हमेशा आता था कि जी पैसे लैप्स हो जाएंगे, पैसे खर्च नहीं हो रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जब हम जून अपना 30 जून ख़त्म करेंगे तो मैं उम्मीद रखूंगा, क्योंकि हमारा टारगेट तकरीबन 65 अरब हम खर्च कर चुके हैं अपनी पीएसडीपी में से, और इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिनों में, क्योंकि आखिरी 2-3 दिनों में ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस दफ़ा पीएसडीपी के अखराजात में एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ देखने को मिली। अमूमन जनाब स्पीकर साहब, आप भी हुकूमतों में रहे हैं, क्या होता है कि ग्राफ जो खर्च का है वो ऐसा दिखाता है कि मार्च तक ऐसे लगता है कि कोई हुकूमत पैसा खर्च ही नहीं कर रही, और अचानक मार्च अप्रैल और मई और जून में जब आप ग्राफ देखेंगे तो 50-55 अरब रुपए निकाले जाते हैं, 40 अरब 55 अरब, बल्कि मैंने ऐसा भी डेटा देखा है कि कुछ हुकूमतों ने आखिरी एक महीने में 45 अरब भी खर्च किया है। हमारा आप जब ग्राफ देखेंगे तो उसका पहली शुरुआत आपको अगस्त से मिलेगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यूं करते 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 इस जून तक ये पूरा सिलसिला अपने 70 अरब को पहुंचता है, जो शो करता है सिस्टम की, एक हेल्दी सिस्टम को शो करता है कि ये हुकूमत आखिरी महीने के खर्च करने वाली हुकूमत नहीं है। और हमें पता है कि वो खर्च कैसे होते थे, एडवांस पेमेंटें हो रही हैं, एक्स्ट्रा पेमेंटें हो रही हैं, उनके CMIT के बहुत सारे इंक्वायरीज चल रहे हैं, नैब के चल रहे हैं कि जी आखिरी दिनों में इतनी पेमेंटें हो गई। वो यकीनी तौर पे इसलिए होंगी कि जब पूरे साल हम पेमेंट नहीं करेंगे और आखिरी 2-3 महीने में अगर पेमेंटें करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो हमने पिछले साल, और ये रिकॉर्ड हुआ है, और मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करूँगा, पूरे असम्बली को कहूँगा कि मेरे ख्याल ये पूरे पाकिस्तान में पहली सूबाई और पहली वफाकी हुकूमत थी जिसने जून 30 ख़त्म करके पहले 10 जुलाई के अंदर अंदर अपने टेंडर किए, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसका सेहरा हम सब पे जाता है, इस हुकूमत पे जाता है, इसके मेंबरान पे जाता है। जनाब स्पीकर साहब, ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम बरवक्त करेंगे तो आज हम 70 अरब नहीं, कल को 200 अरब भी खर्च कर सकेंगे। लेकिन अगर हम, और मैं ये बात भी बताता चलूँ कि अगर ये कोविड ना होता और अगर बलूचिस्तान में बीच में जो बर्फबारी थी वो नहीं होती, तो हम शायद मज़ीद भी खर्च कर सकते थे। आप समझ सकते हैं कि 3 महीने कोविड के डेवलपमेंट बिल्कुल बंद हो गई थी, शुरू के 3 महीनों में, 2 महीनों में तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर 3रे महीने खुली कि जहां फिर कॉन्ट्रैक्टर भी चले गए, डीमोबलाइज हो गए, इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, और फिर बलूचिस्तान में जो इस साल बर्फबारी जिस तरह हुई, इसकी मिसाल भी तकरीबन 60-70 सालों में बहुत कम मिलती है, जहाँ तकरीबन उन इलाकों में भी बर्फ़ हुई जहाँ लोग सोच नहीं सकते, क्वेटा जैसे शहर में भी ऐसी बर्फबारी हुई कि क्वेटा भी मफलूज हो गया, तो उसकी वजह से भी तकरीबन 2 महीने हमारे काम में रुके रहे। तो आप अंदाजे कर सकते हैं कि वो 2 महीने का अरसा और कोविड के अगर हम 2 महीने या 3 महीने मिला लें तो 5 महीने का टाइम हमें टफ मिला, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी हेल्दी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट्स की, पीएसडीपी की करके ये पैसा आवाम तक कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, कामों के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू, बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने तक हर जगह गए। हमने जनाब स्पीकर साहब सिर्फ ये नहीं किया कि हर अपनी स्कीमों को हम आगे बढ़ाएं, और माजी में जिन लोगों ने अच्छे प्रोग्राम बनाए, जिन हुकूमतों ने अच्छे प्रोग्राम किए, उनको हम एक ठंडे डब्बे के अंदर रख के बंद कर दें और फिर अगली हुकूमत पर छोड़ दें, बल्कि ये वाहिद मेरा ख्याल हुकूमत बनी है जिसने अपना एक प्रोग्राम बनाया। हमारी कैबिनेट में हम एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा बैठे और हमने एक अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट्स जिनका फ़ायदा बलूचिस्तान को, जिसका फ़ायदा उन इलाकों को मिल रहा था, हमने उनको बंद नहीं किया, बल्कि हमने उनके लिए प्रोविजन रखी, एलोकेशन रखी और इन स्कीमात को भी कंप्लीट कराया। जनाब स्पीकर साहब, हमने 2003 से शुरू किया, हमने 2003 की भी स्कीमें कंप्लीट कराई, 4 की भी कराएं, 5 की भी कराएं, 8 की कराएं, 10 की कराएं, 11 की कराएं, 12 की कराएं। कुल जनाब स्पीकर साहब अगर हम इसकी लागत लगाएं, इस हुकूमत ने तकरीबन 181 वो बड़े काम जो पिछले 18 साल के थे हमने एक साल में कंप्लीट कराए, और ये
मेरे दोस्त अपोजिशन में से, मेरे ख्याल उनके पॉइंट्स में था कि जी पुराने कामों को तो जी बिल्कुल भूल गए हैं और वो खंडरात बनते जा रहे हैं। मैं यकीनी तौर पर ये नहीं कह रहा कि हमने एक डेढ़ साल में सब कंप्लीट कर दिए। हमारे पास तकरीबन 1500 स्कीमों का एक पलंदा है जो कि हमारी नहीं है, जो हमारे साथ चल रही हैं, लेकिन हम उनको देख रहे हैं, उनको उसका तजिया बना रहे हैं और जहाँ जहाँ चीज़ों में बेहतरी लानी है उसको बेहतर कर रहे हैं और उनको एलोकेशन रख के कम्प्लीट करा रहे हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, इसमें रोड्स भी हैं, इसमें कॉलेजेस भी हैं, इसमें अस्पताल भी हैं, इसमें स्कूल भी हैं, इसमें पानी की स्कीमात भी हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इस साल भी हम इसकी मिसाल कायम करेंगे और इसकी मिसाल को और बेहतर करेंगे ताकि इसका फ़ायदा हुकूमत बलूचिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान के आवाम को भी पूरा जा सके। जनाब स्पीकर साहब, जहाँ तरक्की की बात होती है, जहाँ नॉन डेवलपमेंट की बात होती है, अगर हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, इदारों की मजबूती, इदारों की बेहतरी ना करें तो हम समझते हैं कि हमने एक सही जो एक मानों में चीज़ों को जिस इदारे ने आगे ले जाना है उसमें हम कमी बेशी करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा एक स्ट्रेटजी बनाई, एक प्लान बनाया कि हम ऐसे कौन सारे काम हैं जिनको हम करें जो हमारे बलूचिस्तान की चीज़ों को बेहतर कर सके। हमने उसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पहली सर्विस है पूरे पाकिस्तान में जो ये हुकूमत बलूचिस्तान कर रही है। ये हमारी बहुत सारी बातें शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जिसने सूबाई सतह पे नेशनल हाईवेज पे इमरजेंसी सेंटर लगाए हैं। इसकी मिसाल आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, एनएचए के होंगे या किसी और को होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएचआई और मर के थ्रू आज हब से लेके जोब तक हमारे ये सारे सेंटर्स मर्ग के, और इन्होंने कोविड में भी बड़ी मदद दी, एक्सीडेंट्स में दी है, स्नो में भी दी थी, बर्फबारी में, इन सब में भी दिया था, और इंशाल्लाह इस दफ़ा इस साल हम इसको मज़ीद आगे फैलाएंगे ताकि पूरे बलूचिस्तान में नेशनल हाईवे अगर ये काम करती है नहीं करती, हम समझते हैं कि इस रोड पर चलने वाले इस ये मुसाफिर हजरात जो इस रोडों पर एक्सीडेंट या किसी भी वजूहत की वजह से तकलीफ़ में हैं, इनकी तकलीफ को दूर करने में हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन नेशनल हाईवे अपना काम पूरा करेगी उस दिन हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं करेगी हम बलूचिस्तान के जितने भी मुसाफिर हैं उनके लिए सहूलत को बरकरार रखेंगे, जो कि बहुत बड़ा कैबिनेट को ही इसका एक इसकी अप्रिसिएशन जानी चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह हमने फूड अथॉरिटी का काम किया जो कि बलूचिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं जनाब मिनिस्टर साहब को यहाँ दाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी मावनत की और ये पहली दफ़ा बलूचिस्तान में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, हमारे पास यहाँ बहुत सारे और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने बेहतर करने के लिए लाना था, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जिसका हमने कयाम किया है। इस सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अभी तक अपना काम इतने अंदाज में आगे नहीं किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम है जो सोशल वेलफेयर करने जाएगी। इसी के साथ साथ हमने एक इंश्योरेंस ऑफ जो एक इन्वेस्टमेंट है जो जिस साइल और वसाइल की हमेशा बहुत सारे लोगों ने बात की है, हम साइल की भी बात करते हैं, वसाइल की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को अभी तक नहीं समझे कि साइल और वसाइल को मेरी और आपकी तकदीरों से और मेरे और आपके यहाँ पे शोर करने से साइल और वसाइल हमारे जो है ना वो सेफ गार्ड नहीं होते। आपको कानून साजी करनी पड़ती है और ये इस हुकूमत ने कानून साजी की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज बलूचिस्तान की सरजमीन को आप किसी भी बैरून मुल्क किसी भी कंपनी या शख्स को नहीं दे सकते जो माजी में नहीं था। ये होती है आप साइल और वसाइल को आप इसको इसका तहफ़ करें। मैं इसी तरह ये पहली दफ़ा हुकूमत है जिसने मिनरल पॉलिसी सबसे पहली दफ़ा बनाई है। हमारे साइल और वसाइल क्या हैं? हमारी साइल हमारा ज़मीन है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने सेफ किया, लेजिस्लेशन लाई, कैबिनेट ने मंजूरी दी, आज कोई भी बलूचिस्तान के एक इंच को किसी भी कंपनी या किसी भी इंफरादी शख्स जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखता, जो पाकिस्तानी नहीं है, उसका मालिक नहीं बन सकता। दूसरी तरह हमने अपने वसाइल का तहफ़ किस तरह किया? आपके वसाइल आपके मिनरल हैं जिसकी हम बात करते हैं, उसके लिए हमने 2019 की पॉलिसी बनाई है। तो हम इस तरह इन दो चीज़ों का तहफ़ करेंगे, या मैं और आप डंडा लेके खड़े हो जाएं रोडों पे कि जी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये दुनिया आजकल की ऐसी नहीं चलती। कानून साजी आज 18वीं तरमीम को अगर सबसे बड़ा तहफ़ हासिल है, कानून साजी है। आज जो भी चीज़ ये हुकूमतें बनाती हैं कानून साजी से बनाती हैं, और हमने उसी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया।
इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, मैं एक डेटा बड़ा अच्छा शेयर करता चलूँगा जो कि शायद इसी कंपैरिजन में किसी और हुकूमत के साथ बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं डेटा दूसरों का नहीं बताऊंगा लेकिन अपना ज़रूर बताऊंगा कि आपकी हुकूमत ने हमारे सारे आप भी इसका हम सब हिस्सा हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन 22 महीनों के अंदर हम तकरीबन फाइल्स और समरीज तकरीबन कोई 8,000 प्रोसेस कर चुके हैं। अमूमन यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी बड़ी सुस्ती आती है, बड़ा काम चीज़ें फंस जाती हैं, और अगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं इसके डेप्थ में नहीं जा सकता, अगर 22 महीने का बेंचमार्क लगा लें कि चले जी 22 महीने में माजी में किन हुकूमतों ने की, तो हमारी जो सबसे पहली हुकूमत बनी समरीज के हवाले से हमारे बहुत अच्छे मोहतरम दोस्त हैं वो यहीं थे, उनके 5,000 थे, डॉक्टर मालिक साहब का दौर आया वो तकरीबन 4,000 थे, सनाउल्ला जहरी साहब का आया वो 4,000 थे, आपका चूंकि टेन्योर बड़ा कम था लेकिन उसके हवाले से भी उसका रेशो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारा 6,000 के हवाले से था। इस हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी इन चीज़ों के हवाले से दिखाती है। हमारे कैबिनेट मेंबर कैबिनेट मीटिंग्स कितनी हुई, अगर 22 महीने का फार्मूला लगाएं, चूंकि नवाब साहब का टाइम 5 साल का था, इसी तरह जो दूसरा दौर आया 5 साल का था, नवाब साहब के दौर में 22 महीने में 16 हुए, डॉक्टर मालिक साहब के दौर में 10 हुए, नवाब सलाउल्लाह जहरी साहब के दौर में 6 हुए, आपने फिर भी अच्छे किए, आपने 7 किए, हालांकि 7 महीने का आपका टर्नओवर था 6 महीने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने 24 किए हैं अभी तक, जो कि उनसे 10 कैबिनेट के मुकाबले में ज़्यादा है। ये जनाब स्पीकर साहब, ये और मैं जिस बात पे आना चाहता हूँ कि क्योंकि कल को शायद ये बोलेगा जी हम तो इस तरह के 50 कैबिनेट कर लें, हमने सिर्फ कैबिनेट ही किए। जनाब स्पीकर साहब, कैबिनेट के एजेंडास क्या थे, कैबिनेट के एजेंडास पे अगर हम आए, जो पहली हुकूमत थी उन्होंने 22 महीने में 50 एजेंडा किए, दूसरी हुकूमत आई उसने 72 किए, तीसरी हुकूमत आई उन्होंने 40 किए, आपने भी अच्छा किया, आपके 102, आप उनसे बहुत बेहतर थे, हालांकि उन्होंने 5-5 साल का टाइम गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 390 किए। जनाब स्पीकर साहब, ये 390 एजेंडा का मतलब है कि हर वो फैसला जिसको कैबिनेट ने ओन किया है, जिसमें कैबिनेट ने तरमीम किया है, जिसको कैबिनेट ने इशू किया है, जिसमें उसने एक लेजिस्लेशन की है, कानून साजी की है, मामलात को हल किए हैं, ये 390 एजेंडा जिनकी मंजूरी हुई है ये उससे हैं। यकीनी तौर पे थोड़ा बहुत बैलेंस मैं उनको दूंगा नवाब साहब के दौर में, नवाब असलम साहब के दौर में, चूंकि उस वक्त हर फैसला कैबिनेट का नहीं होता था, उस वक्त तक जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उस वक्त बहुत सारे फैसले जो थे वो चीफ मिनिस्टर खुद किया करते थे, लेकिन उसके बरक्स 390 एजेंडास को इन तकरीबन 22 महीनों में करने का मैं शाबाशी हमारे कैबिनेट के मेंबरान को दूंगा जिन्होंने 8-8 नहीं बल्कि 12-12 घंटे भी कैबिनेट की मीटिंग्स किए हैं, कुछ बैक के पेशेंट भी बन गए, अमराज में भी मुबतला हो गए हैं, लेकिन ये क्रेड हम सबको आप सबको जाता है क्योंकि हमने बलूचिस्तान के मफाद में किए हैं। जनाब स्पीकर साहब, मैं रिकॉर्ड पर बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ जो अमेंडमेंट्स या बिल्स हैं उसकी तरफ भी अगर हम आएँ तो आज तक हमारी हुकूमत ने 32 ऐसे अमेंडमेंट्स किए हैं जिनके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की है, ये भी इसी गवर्नमेंट का एक हिस्सा रही हैं। ये जनाब स्पीकर साहब, ये बातें बताने का सिर्फ मकसद आज के दिन ये है कि हम कम से कम उन चीज़ों की तरफ थोड़ी अपनी नज़र फेराएं कि ये वो चीज़ें हैं जिनको लोग जब सुने फिर वो हमारा तज़िया करें, फिर अपोजिशन की भी बात सुने कि अपोजिशन ने इन 10 दिनों में वो कौन कौन सी बातें हैं जिनकी अपने अपनी तकारीर की, आज माशाल्लाह मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो हमारी भी तकरीरें रखी जाएंगी, इनकी भी तकारीर रखी जाएंगी, इन्होंने जो हम पे इल्ज़ाम लगाए हैं माजी के 1-1.5 साल के और अभी आगे लगाने, यानी कि जो काम अभी तक हमने किए नहीं उनके भी इल्ज़ाम हम पे आ गए, तो कम से कम पब्लिक ये फैसला करे कि ये बातें हवाई बातें नहीं हैं, यानी कि मैं कह रहा हूँ अगर कैबिनेट की मीटिंग हुई है तो हुई है, अगर 390 एजेंडाज हमने किए तो हमने किए हैं, उनमें अगर सबसे ज़्यादा अगर लेजिस्लेशन अमेंडमेंट्स किए तो हमने किए हैं, सबसे ज़्यादा अगर हमने एक वर्किंग एनवायरमेंट बनाया तो हमने बनाया है, इसका क्रेडिट तो कम से कम आप हमें इस चीज का जरूर देंगे। प्लानिंग की स्ट्रेटजी जनाब स्पीकर साहब बड़ी जरूरत होती है किसी भी हुकूमत के लिए जो हमें
बार बार ये तंज भी कभी कभी मिलता है कि इस हुकूमत को पता ही नहीं क्या करते हैं, इनके पास ना पॉलिसी है, ना इनको कोई स्ट्रेटजी का पता है, ना इनको प्लानिंग का पता है। मैं अपने आप को बड़ा कम अकल समझता हूँ, और कोशिश मेरी ये दुआ भी है कि मैं ज़िंदगी भर कम अकल ही रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। जिनको अल्लाह ताला ने अकल कुल दिया है वो उसका सही इस्तेमाल करें, और आप आए हमें सही बात बताएं। आपकी अगर तजावीज़ अच्छी होंगी हम क्यों नहीं लेंगे, हम यहाँ बैठे इसीलिए हैं कि आपकी तरफ से अच्छी तजावीज़ आएँ। लेकिन मैं सिर्फ खड़े होकर ये बोलूँ कि ये अवाम दुश्मन बजट है तो इससे कोई ज़ाहिर नहीं हो रहा, और मैं अगर ये बोलूँ कि ये हुकूमत जो है नालायक हुकूमत है, ये बात किसी चीज़ की दलील नहीं बन रही है। आप बात की दलील दें, रिकॉर्ड की दलील दें, परफॉर्मेंस की दलील दें, हम आपकी हमारी कमज़ोरी हम अपनी कमज़ोरी मानेंगे। लेकिन जहाँ हमारी कमज़ोरी नहीं है, जहाँ हमने आपको कन्विंस कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं, फिर आपको इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर साहब, हमने ग्वादर मास्टर प्लान 7 साल से बन रहा था, इस कैबिनेट ने मंजूर की, आज ग्वादर मास्टर प्लान फाइनल हुआ है। 5-7 साल आपने इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लिया, लेकिन आपसे पहले 5 साल एक हुकूमत थी, एक इंच भी क्वेटा सेफ सिटी नहीं हिला। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अपने जाके काम कर रही है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा ज़रूरत है। जनाब स्पीकर साहब, हमने 30 अजला की मास्टर प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसमें क्वेटा भी शामिल है, जिसमें बलूचिस्तान के बहुत सारे टाउन शामिल हैं। जनाब स्पीकर साहब, अर्बन और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए बाकायदा एक प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें कुछ डिले आती हैं, क्योंकि अर्बन प्लानिंग मास्टर प्लानिंग एक दिन का या कोई 6 महीने का काम नहीं है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, जिसमें बहुत बड़ा काम आगे होने को जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरत है। पहली दफ़ा आर्कियोलॉजिकल साइट्स को बेहतर करना, उनके लिए ऐसे नहीं मंजूर करना, उसके लिए रोडों को ले जाना, ये पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने इस जामे अंदाज का प्रोग्राम बनाया है कि हमने इन चीज़ों को आगे जाके बनाना भी है, उसको आगे ठीक भी करना है। कोस्ट डेवलपमेंट का मास्टर प्लान, उसका तरीक़ेकार, वहाँ जेटीज क्या हो, हमें कुदरत ने जिस साइल वसाइल की हम बात करते हैं, इतना बड़ा 700 किलोमीटर समंदर दिया है, लेकिन अगर ये हमारे बलूचिस्तान की बेरोज़गारी में, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी में और उसकी दूसरी चीज़ों में अगर इसकी अफादियत ना आए, तो फिर हम कसूरवार हैं कि कुदरत ने हमें तो बहुत अच्छी चीज़ दी है, लेकिन मैं और आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, बस उस पर तकारीर ज़रूर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, वरना इन चीज़ों के लिए हमेशा वफाक को देखा जाता था कि जी वफाक कोस्ट डेवलपमेंट करे, वफाक प्लानिंग का स्ट्रेटजी बनाए, हम क्यों नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग भी हैं, डिपार्टमेंट भी हैं, तरीक़ेकार भी है। ये पहली दफ़ा हमने मास्टर प्लानिंग ऑफ द होल कोस्ट बनाया है, और इंशाल्लाह इस साल आप देखेंगे कि इस कोस्ट की डेवलपमेंट पे हम एक बहुत बड़ी खतीर रकम हम खर्च कर रहे हैं, प्लान भी हम कर रहे हैं, सही कंसल्टेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स के थ्रू कर रहे हैं, इसकी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और इंशाल्लाह इस 1.5-2 साल में जब लोग बलूचिस्तान के साहिल की तरफ सफ़र करेंगे, उनको बहुत सारी ऐसी सहूलियात देखने को मिलेंगी जो न सिर्फ उन इलाके के लोगों के लिए बेहतरी होगी, बल्कि जितने भी मुसाफिर होंगे उनके लिए भी बहुत बेहतर होगी। जनाबे स्पीकर साहब, चीज़ें तो माजी की बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने हल्के हल्के तरीके से चीज़ों को ले जा रहा हूँ। हेल्थ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमने इनिशिएटिव लिए, जिसमें बलूचिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल है, जिसको पिछले साल में हमने जिसका इनॉग्रेशन किया, कार्डिक एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर का किया हमने, ड्रग एडिक्ट्स के लिए एक ट्रीटमेंट सेंटर के हवाले से एक कोशिश अपनी शुरू की है जो आगे की तरफ जाए, अर्ली चाइल्डहुड का पहला कॉन्सेप्ट टेलीमेडिसिन का, दूसरे का हमने क्वेटा में शुरू किया, जिसको हम बढ़ा के इंशाल्लाह इस साल अपने दूसरे अजला की तरफ ले जाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर पावर्टी इराडिकेशन इनिशिएटिव के हवाले से एक प्रोग्राम है, उसका इनिशिएटिव लिया है। इसी तरह पिछली कैबिनेट ने बलूचिस्तान में सबसे पहली दफ़ा टेलीमेडिसिन के 4 हमने जो BHUs की अनाउंसमेंट की थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्प्लीशन की तरफ हैं, वो कम्प्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे जितने भी अजला हैं बलूचिस्तान के, उन सब में हम टेलीमेडिसिन के थ्रू इस सर्विस को फैलाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, शायद अपनी नौइयत का बहुत बड़ा कम होगा कि जो कहीं हो रहा होगा। जनाब स्पीकर साहब, एजुकेशन में अगर बसेस हों गर्ल्स कॉलेजेस के हवाले से, मिसिंग फैसिलिटीज़ हो कैडेट रेजिडेंशियल कॉलेजेस के हवाले से, इसी तरह प्रोविजन ऑफ शेल्टरलेस स्कूल्स हो, बाथरूम्स हो, वॉश फैसिलिटी हो,
क्रिएशन ऑफ नए कमीशन्स के हवाले से यूनिवर्सिटी फाइनेंस जो एक बहुत बड़ा हमने काम किया था कि पिछली हुकूमतें सिर्फ 50 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटियों को दे रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने आके उसको 2-2.5 अरब की तरफ ले गए। ये भी इस हुकूमत को उसका क्रेडिट जाना चाहिए जो अपने बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं उनके बारे में सोच रही हैं। ठीक है ये वफाक का सब्जेक्ट है, लेकिन जहाँ हुकूमत बलूचिस्तान मदद कर सकती है फाइनेंशियली, हम क्यों अपने बच्चों की सहूलत के लिए एक कदम आगे ना बढ़ाएं। जनाब स्पीकर साहब, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मसला बलूचिस्तान का है और मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी, लेंथ और एग्जीक्यूशन, इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे मेंबरान हैं, उनके अजला भी हैं, दूसरे हैं, ये पहली दफ़ा है कि बलूचिस्तान में तकरीबन 2,500 किलोमीटर से ज़्यादा का जो एक लेंथ ऑफ रोड्स है वो इस हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, जिसका सर्कल फैला हुआ था, जिसमें बड़े रोड भी थे, दरमियाने रोड भी हैं, जिसमें छोटे रोड भी हैं, और आरएफ मोहम्मद हसनी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे अंदाज में वो और उनकी टीम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से, कि जहाँ इंशाल्लाह इस एक साल में बलूचिस्तान में ये जो रोड बनेंगे, जो बनने जा रहे हैं, इनकी क्वालिटी और इनके तरीक़ेकार को आप किसी भी गवर्नमेंट से इंशाल्लाह कंपेयर करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क भी नुमाया नज़र आएगा। जनाब स्पीकर साहब, हमने हाजी तौर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में हम बहुत सारी चीज़ों की कभी कभी बात, जी बलूचिस्तान में इंडस्ट्री तो है ही नहीं, बलूचिस्तान में तो कारोबार ही नहीं है, बलूचिस्तान में तो कारोबार बस दो चीज़ें हैं, बलूचिस्तान में आप कोई प्लान करेंगे तो कारोबार बनेगा, बलूचिस्तान दुनिया में क्या, अमरीका में आप जाएँ, यूरोप में जाएँ, अफ्रीका में जाएँ, हर चीज़ें खुद बनना शुरू नहीं होती, लोग इनिशिएटिव लेते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा एक सहूलत दी हुई है, लेकिन हम उस पर सिर्फ बातें ज़्यादा करते हैं, मशवरे वो भी सही नहीं देते हैं और फिर तंकीद के अंबार बिछा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुजदार लोरालाई दालबंदीन में मार्बल सिटी, जो मार्बल, यानी कि मुझे तो बड़ी हैरत होती है, जिन हलकों के लोग खुद हुकूमत का हिस्सा रहे हों और उनके हलकों के अंदर ही वो मार्बल भी हो और वो फिर ये जोन्स ना बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह लोरालाई में, खुजदार में और दालबंदीन में इसका काम इस साल से शुरू हुआ है और हम इसको मार्बल जोन बना रहे हैं, इन तीन अजलाओं को, जहाँ पे लोकल चीज़ भी मार्बल की है और उसकी कटिंग भी हो, उसकी इंडस्ट्री भी बने और इस पर हम एक बड़ा इंसेंटिव भी इंशाल्लाह हम आगे देंगे। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह हमने एक जो SEC जोन्स का है, जो हब और बोस्तान का है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मंजूर हुए हैं। इनके मंजूर होने के बाद वफाक से भी चीज़ों में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की तब्दीली यकीनी तौर पे बहुत आ सकती है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें बलूचिस्तान लाइवलीहुड इंटरप्रेन्योरशिप का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें कभी कभी, चूँकि वो हैरत होती है, इसीलिए बार बार मैं रिपीट भी करता हूँ कि जी गवर्नमेंट को रोज़गार के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, ये GDP इंडिकेटर है, ये फिला इंडिकेटर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हमें भी पता हैं कि कहाँ पावर्टी के लेवल्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट के लेवल्स क्या हैं, ग्रोथ के क्या हैं, तो उसके लिए बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें इनिशिएट की हैं जो कि हमारी चीज़ों को बेहतर करेंगी, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की है, जिसमें बलूचिस्तान इंडाउमेंट फंड जो हमारा एक बहुत बड़ा है, जिसपे आज भी मैं कहता हूँ ये हमारे उन प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट है। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा असद बलोच साहब को, जो यहाँ पर हमारे मिनिस्टर हैं, कि पहली दफ़ा पूरे पाकिस्तान में एक मेकेनिज़म के तहत कैंसर और बाकी पेशेंट्स के जो इलाज है गवर्नमेंट खुद करा रही है, और हमने, ये पहली हुकूमत है जिसने 9 अरब से ज़्यादा की फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है, जो इस तरह के ग्रांट और इस तरह की चीज़ों को आज पूरा करती है। तो आज हर महीने 10 से 15 लोग बलूचिस्तान के गरीब लोग, जो 40 से 50 लाख रुपए की एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तबसल से हुकूमत बलूचिस्तान उन इदारों में, उन अस्पतालों में इनका पैसा बेचती है और आज तक तकरीबन 400 से 500 लोग वहाँ से सेहतयाब होके उनके लिए पैसे देके उनकी बहुत बड़ी मदद की गई है, जिसकी मिसाल कभी भी माजी में नहीं मिलती है। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह माइक्रो फाइनेंस का एक प्रोग्राम हमारा पिछले साल का यूथ का चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री और दूसरे डिपार्टमेंटों के साथ है। इसी तरह हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हवाले से एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है, पब्लिक माइक्रो फाइनेंसिंग, जो अखुवत का है, जो अपनी नौयत का बहुत मुख्तलिफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड प्रोग्राम में उसने हमें मदद भी दी, जहाँ हम लोग आम आदमी के साथ, क्योंकि हर आदमी तो कोई, यहाँ तो लोन उनको मिलता है जो करोड़ों रुपये मांगते हैं, गरीब आदमी को तो कोई 5 रुपए भी नहीं देता,
यानी कि लोन लेने वाले बोलेंगे जी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, कारोबार है, अच्छा जी आपको 10 करोड़ देते हैं। एक आम आदमी जाते हैं कि जी मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो वो कहते हैं साहब आप ये जगह आपके लिए नहीं, कहीं और से कर्ज ले लें। बलूचिस्तान हुकूमत ने ये पहली दफ़ा प्रोग्राम अख़ुवत के साथ शुरू किया है, जहाँ लोगों को कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये भी कर्जा दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख का भी दिया जाएगा, और इस पर कोई सूद भी नहीं है। तो ये प्रोग्राम अगर अवामी नौयत के नहीं है तो मेरा एक बड़ा सवाल पहुंचता है, और इसका तरीक़ेकार भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। डॉक्टर अमजद साहब पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके साथ हमने MOU किया, वो खुद आए हमारी कैबिनेट को, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड में बहुत सारे घरों में वो पैसे तकसीम भी हुए हैं बगैर सूद के। तो ये सोशो इकोनॉमिक चीज़ें हैं जिनका हम जो ला रहे हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जिसका फ़ायदा है। स्पोर्ट्स के हवाले से तालीम, स्पोर्ट्स हमेशा बात होती है, कुछ दोस्त ऐसे कहते हैं जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, ना हो शायद किसी इलाके में, लेकिन मैं आज बड़े असूख से कह सकता हूँ, खालिक हज़ारा साहब यहाँ बैठे हैं, कि आज आप TV पर ऐलान कर दें कि जिस मुल्क में यूथ 70% हो और उनको बोले जी आप स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं, आप घर बैठ के लूडो या ताश खेलें, और क्रिकेट ग्राउंड, जिमनेजियम, जिम और ट्रैकिंग राउंड, फुटबॉल, सॉकर जो है ना, ये फिर हम सोचेंगे पता नहीं किस मखलूक के लिए बनाएं। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी। और ये बलूचिस्तान का बाकी प्रोजेक्टों के साथ साथ, इंशाल्लाह पिछले साल हमें थोड़ी बहुत मुश्किलात इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में इसलिए सिर्फ आई कि उसका PC1 का मेकैनिज़म बहुत कॉम्प्लेक्स था। इस बजट में आपने देखा होगा हर ज़िले का कॉम्प्लेक्स हमने उसका कोड अलग बनाया है, और अलग वो अब टेंडर होगा, और मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के तकरीबन 33 अजला में जब ये काम इंशाल्लाह इस साल शुरू होने जाएंगे, ये हमारी यूथ के लिए, उस इलाके के यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज, एक फैसिलिटी होगी, जहां हमेशा हमारे प्लेयर एक ही बात करते हैं जी हम इनके साथ कहां मुकाबला कर सकते हैं, हमारे पास तो ना ग्राउंड है ना खेलने की जगह है। आज बलूचिस्तान के जब इंशाल्लाह ताला 4 साल बाद 5 साल बाद ये 35 कॉम्प्लेक्स सेंटर्स बनेंगे, तो बलूचिस्तान अच्छे प्लेयर्स भी प्रोड्यूस करेगी, एक अच्छा माहौल भी बनेगा और चीज़ें भी बहुत बेहतर होंगे। इसी के साथ साथ 71 फुटस्टॉल का काम, 71 फुटस्टॉल, हम तो 4 फुटस्टॉल क्वेटा में बना के वाहवा लेते हैं, पिछली गवर्नमेंटों ने लिए हैं, 71 फुटस्टॉल जनाब स्पीकर साहब पूरे बलूचिस्तान में बन रहे हैं, उन अजला में भी बन रहे हैं जहाँ बेचारों ने शायद फ्लड लाइट भी जिंदगी में पहली दफ़ा देखेंगे, ऑस्ट्रोटर्फ पहली दफ़ा देखेंगे। हम सिर्फ तस्वीर के लिए प्रोग्राम नहीं बनाते कि मैं 4 क्वेटा में अच्छे बना लूं और फिर मीडिया आ जाए, मैं खालिक साहब और बाकी कैबिनेट के मेंबर चले जाएं, 4 तस्वीरें ले लें, हम बोलेंगे जी हमने बलूचिस्तान में तरक्की कर दी, खेल में हमने जी देखें फुटसॉल भी ले आए, तो अगला बंदा आएगा कि भाई आपने फुटसॉल कितने बनाए और कहाँ बनाए, तो हम बोलेंगे जी 4 बनाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बलूचिस्तान का हर वो ज़िला जिसके अंदर टाउन कमेटी मौजूद है वहाँ एक फुटसॉल आज बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है स्पोर्ट्स की तरफ आगे जाने के लिए। जनाब इस स्पीकर साहब, मैं अच्छे हमारे मोहसिन दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, पार्टी भी, उस दिन एक गलत फहमी का माहौल बन गया था जिस पे मेरा ख्याल कुछ बातें समझी गई कुछ नहीं समझी गई। लेवीज़ के लिए जितना इस गवर्नमेंट ने काम की है शायद किसी गवर्नमेंट ने किया हो, और ज़िया लांगो साहब यहाँ बैठे हैं, QRFP क्विक रिस्पॉन्ड फोर्स किसकी बनी, कब बनी, इस हुकूमत में लेवीज की बनी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि लेवीज के अंदर भी एक क्विक रिस्पांस फोर्स होगी कमांडो जैसी, अल्हम्दुलिल्लाह बनाई। आज उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन विंग्स बन रहे हैं, आज उनके अंदर बॉम्ब डिस्पोजल विंग्स बन रहे हैं, आज उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन का तरीकेकार हम बना रहे हैं, आज हम लेवीज का अपना इंटेलिजेंस सिस्टम बना रहे हैं, ये हुकूमत बना रही है, और ऊपर से इन्होंने कट मोशन लिया है और शायद समझे नहीं, शायद मैं पता नहीं, बहुत मजे तो जेरे साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। कट मोशन का सिंपल एक मकसद होता है कि हुकूमत ने जो तजवीज़ दी है हम उससे इत्तेफाक नहीं करते, और मुझे तो हैरत थी 90 कट मोशन उन्होंने उठा के डाल दिए, यानी कि बलूचिस्तान का हर इदारा जिसके लिए हम एक तजवीज़ दे रहे हैं, जिसमें पेंशनर भी था, जिसमें अदालतें भी थी, जिसमें लेवीज भी थी, पुलिस भी थी, कहते सब में कटाई करें, हालांकि वो शायद उनके लिए कट मोशन मुझे लगता है किसी और ने बनाए हो, वो किसी को जिम्मेदारी दी गई हो, उन्होंने भी एक प्रिंट आउट निकाल के दे दिया हो। कट मोशन अमूमन बड़े सोच के दिए जाते हैं, हमारी आवाम भी अभी तक कट मोशन नहीं समझती, कट मोशन इत्तेफाक गवर्नमेंट के इत्तेफाक से बरक्स होता है,
कटौती करो। कटौती किसकी करते हैं आप? जिस चीज़ में आप कमी जाते हैं। तो लिहाजा वो थोड़ी एएनपी को गलत फहमी होगी, लेकिन बाद में वो दूर हो गई। हम उसमें ये कहना चाहते हैं कि हम तो ऑलरेडी लेवीज को बढ़ा चुके हैं, हम लेवीज की पोस्टें बढ़ा रहे हैं, हम लेवीज की इक्विपमेंट बढ़ा रहे हैं, हमने उनके लिए इक्विपमेंट ज़्यादा लिया है, वेपनरी ज़्यादा ले रहे हैं, उनके इदारों को और मजबूत कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट अपना काम अपनी जिम्मेदारी में लॉ एंड ऑर्डर पे वो भी कर रही है। जनाब स्पीकर साहब, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम साथ साथ उन सारी चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दें जो कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाती हैं। यानी कि हमने पहली दफ़ा है डिसेबिलिटीज़ के हवाले से स्पेशल पीपल का कोटा हमने बढ़ाया और उसको कोशिश की कि एक 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 प्रैक्टिकल लिहाज से करके दिखाएं। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहली दफ़ा 17 मेरा ख्याल स्पेशल पीपल बढ़ती हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है फाइनेंस में या सिविल सेक्रेटरीट में, इन दोनों में से एक था। इसी तरह बलूचिस्तान लाइवलीहुड और एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम है जो तकरीबन 6 अरब का है, वो हमारा चल रहा है। इसी तरह हमारे बहुत सारे इदारे हैं जिनके अंदर पोस्टों की पोजीशंस थी, खाली थी, वक्त के साथ साथ उनको भी हम फिल कर रहे हैं। इसी तरह हम बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, इनके अंदर भी हम काम कर रहे हैं ताकि वहाँ भी लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं कि सरकार में सब लोगों की खपत हो। आज बलूचिस्तान के अंदर बेरोज़गारी लाखों में है, सरकार के अंदर जॉब हज़ारों में होते हैं, तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो हम उन सब के लिए सारे वेंचर्स खोल रहे हैं कि आज ये स्टेडियम बनेंगे इनमें लोग लगेंगे, आज ये फुटसॉल बन रहे हैं इनमें लोग लगेंगे, आज कोर्स डेवलपमेंट बन रही है इनमें लोग लगेंगे, हम इनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। हमने सिर्फ कोर्स डेवलपमेंट ऐसे नहीं की है, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग के लिए हमने पीसी वालों के साथ एक एग्रीमेंट कराया है जो हमारे बच्चे और बच्चियों को ट्रेनिंग भी देंगे कि आपके पास अगर ये फैसिलिटीज़ बनेंगे तो आप उनमें किस तरह लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह ब्रांडिंग, पहली दफ़ा बलूचिस्तान में एक बड़े लेवल का लाइव एक्सपो हमने लाइव स्टॉक का कराया, हमने एक टूरिज्म का कराया जो कराची में हुआ जिसको लोगों ने बड़ा सराहा। इसी तरह हमने माइनिंग की कॉन्फ्रेंस यहाँ क्वेटा में कराई, और अगर ये कोविड ना होता और अगर बर्फबारी का सीज़न ये 5 महीने नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 प्रोग्राम इस तरह के बड़े पैमाने पर और होते। और बहुत सारे लोग जिन्होंने लाइव स्टॉक का एक्सपो देखा होगा वो इस बात की गवाही ज़रूर देंगे कि मैं दाद दूंगा उस डिपार्टमेंट को, लाइफ स्टॉक के मिठा खान साहब हमारे मिनिस्टर हैं, कि एक ऐसे स्टैंडर्ड पे वो लाइफ स्टॉक की एग्जीबिशन या एक्सपो हुआ जो शायद कराची और लाहौर में भी लगभग तकरीबन इसी लेवल की होती है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ा कि बलूचिस्तान किसी चीज़ में बहुत पीछे है, और वो काम जो इस्लामाबाद या कराची में हो सकते हैं क्वेटा में नहीं हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी बड़ा फ़ायदा हुआ, वो भी चला। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, बहुत सारे विमेन डेवलपमेंट बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स का है, विमेन वर्किंग हॉस्टल्स का एक प्रोग्राम हम लाए, विमेन बाजार का हम एक प्रोग्राम लाए, ये वो सारे हैं। इसी तरह मॉडल मार्केट संडे बाजार का एक कॉन्सेप्ट लाए जो चल रहे हैं, और इसी तरह माइनिंग सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कैबिनेट से पहले और आने वाली मीटिंग्स में हम इंशाल्लाह फॉर द फर्स्ट टाइम जिस साइल और वसाइल की हम बात करते हैं उसके हवाले से जो हम वसाइल का एक मैकेनिज्म बना रहे हैं उस पर भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। जनाब स्पीकर साहब, ये वो चंद बातें थी जो 2019-20 की थी, और ये कहना इसीलिए ज़रूरी था। मैं और भी डिटेल में जा सकता हूँ, मैं इस पर 2 घंटे और भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वक्त के साथ साथ हमें चीज़ों को थोड़ा कन्फाइंड भी रखना है कि हमने ये एक साल में जो कारकर्दगी की है जिसका मैंने आपको अभी मिसाल दी है, ये वो चीज़ों की मिसाल है जो कि बेसिकली हमारे एक मेन कॉन्सेप्ट में अगर आप समझ लें कि वो हैं जो कि हम लाते हैं बेसिकली कि हमने डेवलपमेंट में क्या किया, बाकी चीज़ों में क्या किया, कैबिनेट में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, नॉन डेवलपमेंट में क्या रही, एंड मुख्तलिफ बहुत सारे इशूज़। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह हमारे लिए एक बहुत बड़ा ज़रूरी है कि हम इस बजट में क्या करने जा रहे हैं। हमने तो पहले चले कोई इस बात को माने या ना माने, मैंने हमारे कैबिनेट के मेंबरान ने अपनी तकारीर में, एमपीएस ने 12 बहुत जगह इन चीज़ों की तफसील से बयान किया। मैं बहुत सारी चीज़ें शायद अभी भी इसमें मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात का तासर देना चाह रहा हूँ कि जिन चीज़ों की तरफ आप हमें बार बार इशारा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कर रहे हैं, बल्कि उससे बहुत बेहतर कर रहे हैं। और ये नहीं कि हम हुकूमत में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम सुबह दफ्तर जाएं, चाय पी के वापस घर चले जाएं,
हम किसी न किसी एक्टिविटी में सूबे के, चाहे उसकी डेवलपमेंट से हो, उसकी पॉलिसी से हो, उसकी परफॉर्मेंस से हो, उसके विजन से हो, उसके तरीक़ेकार से हो, उसके फ्यूचर नीड्स से हो, उन सब पे हम काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में हमारी बहुत बेहतरी होगी, कुछ में कमी बेशी भी हो सकती है। कोई हुकूमत ऐसी दुनिया में नहीं है, चाहे आप यूरोप की कंपनी हुकूमतें निकालें, अमेरिका की निकालें, तनकीद हर जगह उसकी गुंजाइश बनती है, लेकिन हमें अपनी तनकीद के अंदर बेहतरी लानी चाहिए। हमें तनकीद बराए तनकीद इसलिए नहीं करना कि मुझे सरदार साहब और मुझे असगर साहब और मुझे कादिर नाइल साहब पसंद नहीं है तो बस पसंद नहीं है, और अगर पसंद भी नहीं है तो वजह भी बताऊं कि जी सरदार साहब यूं इसलिए नहीं पसंद, खोसा साहब इसलिए नहीं पसंद कि उनका रवैया ठीक नहीं है, उनकी बात ठीक नहीं है, उनका मेरे साथ रवैया सही नहीं है, मैं सिर्फ बोलूँ जी बस पसंद नहीं है। तो इनको अगर अपने दलाइल जब हुकूमत के खिलाफ देते हैं तो चीज़ें बताते हैं तो उनमें दलाइल डालें कि आपकी हुकूमत इसलिए ठीक नहीं है कि इतने कैबिनेट नहीं किए, इतने लॉ पास नहीं किए, इतने आपसे लेजिस्लेशन नहीं हो सकते, पीएसडीपी आप खर्च नहीं कर सके, इसकी बात एग्जीक्यूट सही टाइम पे नहीं कर सके, जुलाई में आपने पहला टेंडर नहीं किया, आपने अपनी क्लोजिंग ठीक नहीं। फिस्कल पॉलिसी पहली दफा बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है कि सप्लीमेंट्री बजट बलूचिस्तान की हिस्ट्री में सबसे रेशो में कम बना है। वरना सप्लीमेंट्री जनाब स्पीकर साहब ये जो बातें पता नहीं पिछली हुकूमतों में रहे नहीं रहे, बजट होता था 1 करोड़ का दिखाया जाता था सप्लीमेंट्री में, जी 2 अरब खर्च कर चुके हैं। हमारा टोटल सप्लीमेंट्री, अगर मैं गलत नहीं हूं, जरूर साहब यहां मौजूद होंगे, नंबर में आगे पीछे मैं कर सकता हूं, हमारा टोटल सप्लीमेंट्री शायद 7 या 9 अरब से ऊपर नहीं गया है। पिछली हुकूमतों का मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूं, 45 अरब, 40 अरब, 35 अरब सप्लीमेंट्री बजट। तो ये क्या शो करती है? ये शो करती है कि आपने जो पिछला बजट बनाया वो बहुत बेहतर फाइनेंशियल टर्म्स में था और आपने एस्टिमेशन ठीक की, बजटिंग ठीक की। और यस, जरूरत पड़ती है, कोविड आया, बर्फ आया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एज्यूम नहीं करते, हिस्सा बन जाते हैं, ये हुकूमत का काम होता है और उनको हम आगे बढ़ाते हैं। जनाब स्पीकर साहब, हम क्या ला रहे हैं? हम रेजिडेंशियल कॉलेजेस ला रहे हैं, हम पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ला रहे हैं, हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 20 और 21 की मैं बात कर रहा हूँ, हम बोर्डिंग स्कूल्स ला रहे हैं, हम जनाब स्पीकर साहब बलूचिस्तान में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लेबॉरटरीज इन ईच 22 BS कॉलेजेस में फुली इस्टेब्लिश्ड सेटअप्स ला रहे हैं, हम 14 मॉडल गर्ल्स इंटर कॉलेजेस उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है हम वो ला रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर जहां पहली दफ़ा किसी भी हुकूमत ने किया हो, सारे गर्ल्स इंटर कॉलेजेस को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इंशाल्लाह ताला अगले साल तक कोई भी गर्ल्स कॉलेज इंटर नहीं होगा, इंशाल्लाह सब डिग्री होंगे। और हमारा एम है कि इंशाल्लाह अपने टेन्योर के आखिर में हम बलूचिस्तान के सारे बॉयज कॉलेजेस को भी इंशाल्लाह डिग्री बनाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह N100 स्कीम्स फॉर प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग्स फॉर शेल्टरलेस प्राइमरी स्कूल्स, ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडल बिल्डिंग एंड एडिशनल फैसिलिटी ऑफ हाई स्कूल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है। इसी तरह हेल्थ में आप देख लें, एक्सटेंशन ऑफ फातिमा जिना हॉस्पिटल क्वेटा है, ताफ्तान और नसीराबाद चागी, और जिस तरह रखने की बात की है सरदार साहब ने, ये हमारे कोविड प्रोग्राम में, और जो दूसरे इसी तरह हमारा मिरखल किला अब्दुल्ला के हवाले से, दूसरे अजला के हवाले से था, पहली दफ़ा हॉस्पिटल्स बनाने इधर भी हम जा रहे हैं। टाइमलाइन फैसिलिटीज़ के हवाले से टेलीमेडिसिन का जो एक प्रोग्राम है जो पूरे बलूचिस्तान के कोने कोने में जाएगा, और हम अपनी इंटरनेट की फैसिलिटी PTCL से नहीं ले रहे, या कोई बोले कि जी हाँ 4G का आपने कार्ड लगा दिया है, सेटेलाइट फैसिलिटी से बलूचिस्तान की सर्विसेज हम हायर कर रहे हैं कॉमसेट के साथ, जो 4 BHUs अल्हम्दुलिल्लाह PPHI ने कंप्लीट कर ली हैं। और ये सारे आपके हेल्थ सेंटर्स क्वेटा में या डिविजनल हेडक्वार्टर्स में आपके जो बेहतर कम से कम डॉक्टर्स हैं उनकी सुपरविजन में होगा, जो वहाँ बैठे हुए एक नर्सिंग डिस्पेंसर दाई या किसी को थ्रू ऑनलाइन बता रहे होंगे मरीज को, ऑनलाइन देख के कि इसमें क्या होना चाहिए और इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह खुजदार के अंदर कार्डियक सेंटर का कयाम, इसी तरह ताफ्तान की मैंने आपको बात बताई, और सबसे बड़ी चीज़ बलूचिस्तान के अंदर इंशाल्लाह BSL लैब्स का कयाम, और 8 अरब रुपये पोस्ट कोविड के हवाले से
हम जो एक प्लान बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, वफाक भी हमें इसमें देगी, लेकिन हमने अपने बजट में सिर्फ पोस्ट कोविड मैकेनिज्म को मद्देनजर रखते हुए 8 अरब रुपए सिर्फ अलग इससे रखे, वो हॉस्पिटल्स, वो लैब्स, वो बाकी चीजें सब BHUs अलग, ये सिर्फ कोविड के लिए अलग होंगे। इसके अंदर तकरीबन कोई 18 चीजें हैं। ये जो बार बार हमें थोड़ा सा कहने को मिला, एक एयर एम्बुलेंस की पता नहीं बात आई और उस बात पे उन्होंने कहा जी एम्बुलेंस नहीं है, और किसी ने कहा जी इक्विपमेंट नहीं है, मैंने कुछ सोशल मीडिया पे सुना उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बिल्डिंग पूरी नहीं है। तो जी हमने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ एम्बुलेंस खरीद रहे हैं और बाकी कोई काम नहीं करेंगे। हमने कहा एयर एम्बुलेंस का हम ऑप्शन रख रहे हैं, हमने फाइनल भी नहीं किया है और उसकी वजूहत मैं आपको बताऊंगा। हम तकरीबन 10 से 12 अरब बल्कि 14 अरब रुपए हेल्थ में रख रहे हैं, जिनमें हर चीज को बेहतर करने की तरफ जाएंगे, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स भी होगा, इक्विपमेंट भी होगा, एम्बुलेंसेस भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रेजिडेंशियल प्लेसेस भी हैं, डॉक्टर के ऑफिसेस भी हैं, वो नए हॉस्पिटल्स भी हैं और बाकी बहुत सारी चीजें भी हैं। जनाब स्पीकर साहब, एयर एम्बुलेंस एक ऐसी चीज आई कि जी एक गरीब सूबा वो एयर एम्बुलेंस, मैं तो कहता हूँ सबसे गरीब सूबा जो इतना बड़ा हो 40-44% पाकिस्तान का, सबसे ज्यादा लॉजिक अगर पूरे पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस ही, मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, हम थोड़ा सा अपना जहन खोल लें, सबसे ज्यादा अगर हम अपनी सियासत को साइड पर रख लें, पूरे पाकिस्तान में अगर एयर एम्बुलेंस किसी भी हवाले से हो, चाहे वो सरदार रिंद साहब ने कहा कि पंखे वाली हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे ज्यादा बलूचिस्तान की जरूरत पड़ती है। क्यों? आप ताफ्तान से क्वेटा किसी को ले आए मरीज को, आप जीवनी से किसी को ले आए, आप योब से किसी को ले, इसी तरह बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग, कोई 14 घंटे, कोई 16 घंटे, कोई 18 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के तो कोई अस्पताल ही नहीं है पूरे बलूचिस्तान में। वो लोग जो आज सोशल मीडिया पे चंद सोशलिस्ट पूरे पाकिस्तान में हैं, ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे बलूचिस्तान जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सखर, लाड़काना या दूसरे इलाकों की तरह है। हमारे पास सिर्फ जो सारा बर्डन है हेल्थ का वो सारा सरकार पे, टेस्ट सरकार, एम्बुलेंस सरकार, काम सरकार, दवाई सरकार। तो ये वहाँ उनको आप देखें, कोविड में इंडस हॉस्पिटल टेस्टिंग कर रहा है, कोविड में आगा खान कर रहा है, कोविड में जियाउद्दीन कर रहा है, कोविड में OMI कर रहा है, कोविड में जियाउद्दीन कर रहा है, कोविड में लियाकत नेशनल कर रहा है, कोविड में नेशनल कर रहा है। पूरे कराची के तकरीबन कोई 25-30 अस्पताल हैं, सब कोविड के लिए टेस्ट भी कर रहे हैं, आइसोलेशन भी कर रहे हैं और सेहत की सहूलत भी दे रहे हैं, चार्ज करके, फ्री में कोई नहीं कर रहा। पंजाब में इसी तरह है, KP में इसी तरह है, बलूचिस्तान में नहीं है। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वो सारा बर्डन हमारे पास आया है। तो आप अपने आप को हमसे कंपेयर प्लीज ना करें। बलूचिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अब मैं दाद दूंगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, उनके लोगों को, डॉक्टर्स को, जिन्होंने फिर भी मेहनत की और जिस तरह किया, हमने कम से कम अपने अंदर वो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की जो उनके पास ज्यादा क्रिएटेड है, जिनके पास इतनी ज्यादा सहूलत है। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जैसे कुछ लोग कहते हैं कम्युनिकेशन क्यों, आप रोड क्यों बनाते हैं इतना ज्यादा, आप दुनिया के किसी एक मुल्क की मिसाल ले लें, किसी भी मुल्क की, सिवाय अफ्रीकन मुल्कों की, लेकिन वहां भी अगर आप साउथ अफ्रीका या दूसरे मुल्कों में जाएं, दुनिया में चेंज कम्युनिकेशन लाती है, चाहे वो फोन की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, रेल की हो, सिविल एविएशन की हो या रोडों की हो। और जहां आपके पास कम्युनिकेशन का निज़ाम खराब है, हेल्थ भी खराब, एजुकेशन भी खराब, एडमिनिस्ट्रेशन भी खराब, सोशो इकोनॉमिक भी खराब, ज़रात भी खराब, क्या वजह है? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक रोड है यहाँ से ताफ्तान, लेट्स से यहाँ से खारान का रोड खराब है, मेरे और आपके लिए तो कोई मसला नहीं, हम क्वेटा में रहते हैं। आप सोचें कि उस अजला के लोग कच्चे सड़कों पे अपने ट्रैक्टर के टायर भी खराब कर रहे हैं, मशीनरी का पैसा भी दे रहे हैं, कन्वीनियंस ऑफ रोड भी है, इमरजेंसी में एम्बुलेंस की हालतें भी बुरी हैं, मोटरसाइकिलों के टायर बस्ट हो रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। एक गरीब आदमी महीने में जो 15-20 हज़ार और 1,000 रुपये कमाता है, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करिए, कोई स्कूल की फीस दे, या अपने टायर और आयल और इंजन ठीक बनाता रहे, जब उसके पास एक अच्छा रोड आता है, उसके सारे खर्चे 70% ख़त्म हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि 100% ख़त्म होते हैं, 70% की सिर्फ आपको बचत होती है कम्युनिकेशन की वजह से, क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से,
खवातीन हैं, मरीज हैं, ऐसे रोडों पे आते हैं कि आधे रोड तक ही वापस उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक अच्छा ब्लैक टॉप रोड हो, वो मरीज बच जाता है। वो एम्बुलेंस वाला जो शायद फिलाई इदारे के तौर पे वहाँ काम करना चाहता है, मिसाल है असद बलोच साहब, जहरी साहब एक एम्बुलेंस वहाँ खुद रखना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जाब साहब ये रोड तो ऐसा है, मैं यहाँ साल में 10 एम्बुलेंस है तो बदल रहूँगा, तो मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा कि एक एम्बुलेंस दूँ। लेकिन आज एक अच्छा रोड बनेगा तो शायद वो एक एम्बुलेंस जिसने 6 महीने नहीं चलना 6 साल चलेगा। हम शायद समझते नहीं है कि ये इन कामों का क्या फ़र्क है। वो कहते हैं जी ये क्या आप रोड पे रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं। कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। आपका एग्रीकल्चर ठीक होता है, आपके लोग ऑफिसर्स जाते हैं, आपके यहाँ लोगों की आमद और रफ्त बढ़ जाती है, वो लैंड की प्राइसेस यहाँ कुछ भी नहीं है, लोगों के आने जाने से उनकी कीमतें अच्छी हो जाती हैं। जहाँ ज़मींदार अपना प्रोडक्ट शहर तक नहीं ला सकता है, वो आराम से ट्रक जाता है, शेजोर जाता है, सुजुकी जाती है, वापस लाती है। तो रोड हमारा इसीलिए एक मेन मकसद है कि बलूचिस्तान एक्सेस का इशू है, और बलूचिस्तान में जिस दिन इंशाल्लाह इस रोड का नेटवर्क ठीक होगा, आप देखेंगे कि मैं और आप बहुत सारे, आज मोटरवे की क्यों बात होती है, आज मरी की क्यों बात होती है, अमेरिका में हाईवेज की क्यों बात होती है, मलेशिया में क्यों होती है, चाइना, जापान, ये ऐसे नहीं बदले, ये आपकी इंडस्ट्री को भी उठाते हैं और बेहतर करते हैं। तो लिहाजा हम जनाब स्पीकर साहब, ये बहुत बड़ी तादाद है रोडों की, लेकिन मैंने कम से कम ये कहा कि ठीक है जी, मुझे कम से कम बड़े रोडों का बता दें कि जिनकी तादाद कम से कम 30 करोड़ से ज़्यादा की है। वो तकरीबन हमारे पास 25 ऐसे रोड हैं जो एक रोड की कीमत 30 करोड़ से ज़्यादा है, जो मोहल्लों को नहीं मिला रहे, जो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को मिला रहे हैं, तहसील से तहसील को मिला रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्टों को बना रहे हैं। और आप इंशाल्लाह देखिएगा, आप भी सफ़र करते हैं, आपका ज़िला ऐसा है, हमारा, हम सब के अज़ला ऐसे हैं, जहाँ लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं, वो इस चीज़ से बहुत बेहतर होंगे। जनाब स्पीकर साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का हो या दूसरा हो, सबकी बड़ी ज़रूरत है। मैं यकीनी तौर पे डिप्टी स्पीकर साहब की बात को सेकंड भी करूँगा, बनना चाहिए, सहूलत के बगैर कुछ नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आदमी को आप तंबू लगा के बाहर बैठा दें, अफसर को, टीचर को, डॉक्टर को, सेक्रेटरीट के मुलाजिम को, धूप पे बैठा हो, टेबल भी ना हो, स्टेशनरी भी ना हो, काम अच्छा करे, मुमकिन नहीं है। मुझसे और आज से भी आप ये छत ले लें और हमें भी, मैं कहता हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए एसी बंद कर दें आप, ये आधा हॉल वैसे खाली हो जाएगा। शायद थोड़ी देर बाद मैं भी पसीने पहुँच पहुँच के स्पीच ख़त्म कर दूंगा और भाग जाऊँगा। सहूलत बहुत ज़रूरी है। जनाब स्पीकर साहब, सहूलत बहुत ज़रूरी है, लेकिन सहूलत को देने के बाद काम लिया जाए। हमारे डिपार्टमेंट्स, इदारों में बदकिस्मती रही है कि हमने इन्वेस्ट नहीं किया है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, असेंबली हो, असेंबली का सेक्रेटरीट हो, स्पीकर हो, मेंबरान हो, आज अगर एक एमपी हॉस्टल है तो सहूलत दे रहा है, क्योंकि चंद मेंबर उधर हैं। आज सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए कॉलोनी होगी, उनको सहूलत मिलेगी। स्पीकर का हो या कुछ भी हो, हमें इन चीज़ों को लाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि अपने बजट का पूरा हिस्सा हम उधर खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने इसी चीज़ को जनाब स्पीकर साहब मद्देनज़र रखते हुए, हमने न सिर्फ यहाँ बल्कि कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। हम एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट अपनी एक बिल्डिंग बनाने का कहता है, और अपनी एक बिल्डिंग बनाने के लिए रेजिडेंशियल का भी कहता है, अजला में भी कहता है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी, डिविजन्स में भी, और सूबे में भी। आपने देखा होगा कि एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जीओआर का, और मेरे ख्याल शायद गवर्नमेंट हाउसिंग में सबसे अच्छी जीओआर कॉलोनी बड़ी कहलाती है। हमारे जहन में एक आइडिया है जिसको हम इंशाल्लाह इस साल प्लान कर रहे हैं, हर ज़िले के अंदर एक जीओआर होना चाहिए। वहाँ सिर्फ एक डिपार्टमेंट का
मुलाजिम या चंद डिपार्टमेंट के लोग ना हो, वो एक कॉलोनी हो, उस कॉलोनी में उसकी अलॉटमेंट हो, फिर हर डिपार्टमेंट को अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि एक बड़े अच्छे पैमाने पे 10-15 एकड़ पे वो बनेगा, वहाँ एक स्कूल आप बनाएं, वहाँ एक मस्जिद बनाएं, ऑफिशियल्स को एम्प्लॉइज को वहाँ क्वार्टर अलॉट करें ताकि वो भी एक अच्छे माहौल में रहें। हमारे बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो कहीं रह नहीं सकते, डीसी किराए के घर पे रह रहा है, कहीं प्रोसिक्यूटर जनरल प्रोसिक्यूशन के लोग, लॉ से हमारे लोग हैं, क्रिमिनल्स के केस अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ऐसे क्रिमिनल्स जिनके अगेंस्ट गवाही भी बड़े मुश्किल है, वो पैदल चल रहे हैं, ना दफ्तर है, ना गाड़ी है, ना घर है, और हम कहते हैं कि जी प्रोसिक्यूशन बड़ा कमज़ोर था जी इस दफ़ा। वो क्यों नहीं कमज़ोर होगा, वो प्रोसिक्यूशन पैदल तो रोड पर चल रहा है, उसके साथ ना खाली गार्ड भी नहीं है, और आप उसको कह रहे हैं कि जी ये लैंड माफिया और ये पता नहीं टेररिस्ट तंजीम और फिलहाल तंजीम के खिलाफ तुमने केस अपनी अदालत में बड़ा मजबूत पेश करना है। हाँ, उसको आप सिक्योर करें, वो कम से कम एक ऐसे मोहल्ले में, एक ऐसे कॉलोनी में रहे जहाँ पे वो सिक्योर फील करे, अपना काम कर सके। तो हम जनाब स्पीकर साहब ये प्लान कर रहे हैं कि इसी तरह सिविक सेंटर्स और रेजिडेंशियल सेंटर्स का हर डिस्ट्रिक्ट में एक तरीक़ेकार हो, ऐसे इसको प्लान कर रहे हैं ताकि आगे जाके सही होगा, माहौल भी अच्छा मिलेगा। 10-20-30-40 ऑफिशियल्स ऑफिसर्स हैं एक जीओट जैसे मोहल्ले में रह रहे हैं, सिक्योर भी फील करते हैं, वरना क्या एक इस गली में किराएदार के घर में कोई किसके घर के किराया पकड़ के बैठा हुआ है, इनसिक्योर हैं, कोई माहौल भी नहीं है, फिर इसीलिए बहुत सारे ऑफिशियल्स अपनी फैमिलीज के साथ जाते भी नहीं हैं, क्वेटा में बैठे रहते हैं, फील करते हैं, इनकी जॉब पर इसका असर आता है, आउटकम इनकी बिल्कुल कम हो जाती है। देखिए जब आप इस तरह का माहौल जहाँ जहाँ देंगे आप देखेंगे वो आपका बेहतर होता जाएगा। इसी तरह हमारे पास जनाब स्पीकर साहब, हमने कहा कि नए क्रिएटेड रेजिडेंशियल कॉलोनीज या डिविजन्स में जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने, मसूद दुनी साहब यहाँ हैं, इसी तरह हमारे पास सोबतपुर के सलीम खोसा साहब हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे किला अब्दुल्ला में, शायद मकरान डिवीज़न में, इन कुछ जगहों पे नए डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, शिरानी हुआ, इन जगहों पे इन चीज़ों को हम फैसिलिटेट करेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट आपका इतना पुराना हो गया है, सब दिन में मतलब कोई 8 से 10 हज़ार आदमी, सबसे ज़्यादा जो पूरे क्वेटा में हमें डर लग गया था कि कोरोना कहाँ फैलेगा, सिविल सेक्रेटेरिएट में इतनी सी जगह है और पूरा क्वेटा उसमें सुबह से लेकर शाम तक है और कोई जगह नहीं है। इसको हम बेहतर करें, इसको थोड़ा एक्सपेंड करें, बाहर की तरफ कुछ इसके ब्लॉक्स हम आराम से ले जा सकते हैं। इसी तरह कैबिनेट हो या असेंबली हो, इंशाल्लाह आपके मशवरे के बाद उसको भी एक प्लान करके हम ले जाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह इरिगेशन का हमारा प्लान है कि इरिगेशन में नए नए डैम्स हमने कहाँ बनाने हैं, वाटर मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कयाम कहाँ करना है। क्वेटा के लिए हम अपने फंड से एक नया डैम बनाने जा रहे हैं जो सराय कुला डैम के नाम से है, जो क्वेटा में ऑलरेडी एक डैम है जिसको हम अपने फंड से पीएसडीपी से फंड कर रहे हैं, और कुछ और प्रोग्राम भी हम क्वेटा के लिए ला रहे हैं कि क्वेटा के जब तक वफाक कोई डैम हमारे बनाए ना बनाए, हम अपने कुछ डैम्स इंशाल्लाह पाए तकमील तक इंशाल्लाह पूरा पहुंचाएंगे। इसी तरह हमारे पास जनाब स्पीकर साहब, एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट हमने डीसिल्टिंग ऑफ पटवीडर एंड खीरतर कैनाल का भी रखा है, जिसका एक बहुत बड़ा हमारा बलूचिस्तान जो सबसे ज़्यादा गंदम किसी डिवीज़न से लेता है वो नसीराबाद का है, तो उसके अंदर इस चीज़ को हम बेहतर करके आगे लाएं। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे डैम्स हैं जो इरिगेशन सेक्टर में, बड़े डैम्स के अलावा छोटे सेक्टर्स में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा अपना एक ज़ाती तज़िया भी है, कुछ दोस्तों से बात भी जब होती है, बलूचिस्तान का पानी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर इसको सही कैप किया जाए। सदर्न बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान में आपने देखा होगा, सेंट्रल भी, इस दफ़ा बलूचिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड बारिशें और बर्फबारी हुई जिसकी मिसाल माजी में बड़ी कम मिलती है, लेकिन आपके पास डैम होंगे और उस डैमों में 2-3 साल का या 3-4 साल का पानी भी अगर हम सेव कर लें, हम बलूचिस्तान को एक किसी और लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़मीन, इसके पहाड़ और इसका तरीक़ेकार ऐसा है कुदरती तौर पे कि यहाँ पानी को 44% जब पूरे पाकिस्तान का ये ज़मीनी हिस्सा है तो ये बहुत पानी इकट्ठा कर सकता है। और आज आप मीरानी डैम देखें, शादी कोट डैम देखें आप, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर दूसरे जो हमारे डैम्स बने हैं, खुजदार में बने हैं, योग की साइड पर हैं, हमारे कुछ बनने की तरफ जा रहे हैं, किला अब्दुल्ला में कुछ हैं, तो ये ज़खायरों में जब बनेगा तो इनमें पानी आके जमा होगा। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, एक हम
कोशिश करें कि मादनियात के हवाले से बहुत सारे मादनियात हैं जो इस सूबे को उठा सकती हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट देनी है, माइंस डिपार्टमेंट को सपोर्ट देनी है, माइन ओनर्स को, माइन ओनर्स को माजी में कोई सहूलत, हालांकि हमें बड़ी रॉयल्टी देते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत को तकरीबन साल का 3-4 अरब रुपए, 2-3 से 4 अरब रुपए माइन डिपार्टमेंट से आता है, लेकिन ना हमने कभी इनके रोड बनाए, ना कभी माइन ओनर्स को मशीनरी दी है, ना सब्सिडाइज रेट पर उनको कुछ फैसिलिटी दी है, ना इनकी कॉलोनीज बनाए, ना इनके लिए कोई हेल्थ सेक्टर में कोई काम किया है। इस सेक्टर को भी हमें प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मिनरल डिपार्टमेंट से बलूचिस्तान बहुत वाबस्ता है और वो वाबस्तगी को हमने बेहतर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस नई दौर में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अपनी बीमैक कंपनी खुद बनाई है। इस बीमैक कंपनी का 90% शेयर हुकूमत बलूचिस्तान का है। हम जनाब स्पीकर साहब इस पर 3.2 अरब रुपये लगा रहे हैं, लेकिन ये माजी की तरह एक हुकूमत ने जिस तरह डॉक्टर समर मुबारक साहब आए, मैं उनका नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि उनसे वाबस्ता है, मेरा उनसे कोई बोझ नहीं है, कोई अदावत नहीं है, कि हमने उनके हवाले 2-2.5 अरब कर दिए, हमने कहा जाओ रेकोडिक ठीक कर दो। उन्होंने 4 एक्सकेवेटर पकड़े, 2 ग्रेडर पकड़े, 1 लोडर पकड़ा, 10 जनरेटर लिए, 8-10 कंटेनर लिए, मौके पर पहुँच गए, रेकोडिक हम आबाद करेंगे। जनाब स्पीकर साहब आज जो काम हमने किया है या करने जा रहे हैं, अगर जनाब असलम रहसानी साहब के दौर में अगर ये काम उस वक्त हो जाता, आज ये रेकोडिक बलूचिस्तान को खिला रहा होता, बेहतर कर रहा होता, हमारा रेवेन्यू अच्छा कर रहा होता। हमने जनाब स्पीकर साहब आज बनाया है बलूचिस्तान एक्सप्लोरेशन माइनिंग कंपनी। सबसे पहले तो आपको पता हो कि आपके ज़मीन में है क्या। आज आप पानी का बोर भी करने जाए ना, तो आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे देहातों में वो लकड़ी वाले और लोहे वाले कुछ हैं, कुदरत ने उनके जिस्म में रखा है, तो वो भी हम ढूंढते हैं। मैं जाम कमाल या ज़ूर बुलेदी साहब PHE का बोर लेके उस ज़मीन पे नहीं पहुंच जाते कि जी यहाँ 800 फीट का खड़ा करो आप पानी निकालूंगा। वो आदमी आता है, 4 दफ़ा घूमता है, 2 दफ़ा उसको करंट जिस्म में लगता है, 4थे दफ़ा बोलता है जी 6 साइट है, इनमें से एक ढूंढें। फिर भी मैं और आप सोचते हैं भाई इधर करीब में दूसरा ट्यूबवेल कहाँ है, तो बोलेगा जी 100 फुट पे एक और है, 500 फुट पे साहब का बाग भी है। तो जैन कहता है कि पानी निकलेगा। अब मैं आपको बोलूँ, आप खारान के रेगिस्तान में जाएं या वाशोक के रेगिस्तान में जाएं, और मैं आपको मशीन दे रहा हूँ वहाँ खड्डा खोदें पानी निकालें, कोई नहीं जाएगा। रेकोडिक इसलिए मशहूर हुआ कि उसके जो 2 पॉइंट हैं उन पर उन कंपनियों ने कुछ $100 मिलियन लगाए, दरियाफ्त किया, इंटरनेशनल कंपनी ने मोर लगाया, आज कामयाब है। आज उस कागज़ को लेकर हम दुनिया में फिरते हैं और दुनिया भी तस्लीम करती है कि जी बिल्कुल बलूचिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर हैं, और किस वजह से, इस रिपोर्ट की वजह से, वरना आज भी वो तस्लीम नहीं करेंगे। वो रिपोर्ट किस तरह बनती है, जब 2.5-3 साल की ड्रिलिंग होती है, उस ड्रिलिंग के रिजल्ट निकलते हैं, फिर उसको एक कंपनी ऑथेंटिकेट करती है, फिर वो कहते हैं कि ये जखायर जेन्युइन जखायर है। और हम ऐसे ही मैदान में कूद गए कि ये लोडर और ये डंपर ठीक कर देंगे और बलूचिस्तान वाह हो जाएगा, 10 कंपनियां आ जाएंगी। जनाब स्पीकर साहब इंशाल्लाह हम इस 3 अरब रुपए को, पहले साल 1.5 अरब रुपए हम एक कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी में जैसे मैंने आपको बताया 90% हुकूमत बलूचिस्तान के अपने शेयर हैं, बोर्ड में सबसे ज़्यादा हमारे मेम्बर हैं, वफाक को हमने सिर्फ एक सपोर्टिंग लेवल पे अपने साथ लिया है। जहाँ माजी में तो 50-50% की बातें होती थी, आज हमने 90 रखे और उनको हमने 10, वो भी इसलिए रखा है कि वफाक हम केस में या किसी और इश्यूज़ में हमें सॉवरन गारंटीज बाकी की ज़रूरत पड़ेगी, 10% हमारे साथ हैं। हम इस कंपनी को फॉर्म करेंगे, इसका एक CEO रखेंगे, इसका एक मैकेनिज्म बनाएंगे, और ये कंपनी अपना एक्सकेवेशन और ड्रिलिंग सिर्फ कोर के हद तक का काम करेगी। और इसी दौरान इंशाल्लाह आज 2 पॉइंट पे सर्टिफिकेशन की मोर लगी है जिसे दुनिया मानती है। इंशाल्लाह 2 साल बाद 3 साल बाद हमारे पास ऐसे 15 साइट्स होंगे जिनको दुनिया तस्लीम करेगी कि जिस तरह वो 2 पॉइंट हैं, ये 13 पॉइंट भी इसी तरह हैं। तब जाके हम या खुद काम करें या किसी कंपनी को लाएं या जो भी मैकेनिज्म बनाएं, वो उसके बाद होगा, पहले कभी नहीं हो सकता है। तो इंशाल्लाह जनाब स्पीकर साहब ये पूरे बलूचिस्तान का है, लेकिन इसकी शुरुआत हम चागी से कर रहे हैं। और पहली दफ़ा मैंने जैसे
عارف جان صاحب کو بھی کہا تھا کہ ہم اس کے اندر ان بلٹ کر رہے ہیں. ویسے ہماری 2019 کی پالیسی کے اندر ان بلٹ ہے کہ ہم اس ایریا کو سیکیور کس طرح کریں گے, سی ایس آر کا کتنا پیسہ خرچ کریں گے, لوکل جابس کتنی کو انشور کریں گے, ایریا کی ڈیولپمنٹ کو کس طرح انشور کریں گے, اور یہ ساری چیزیں ہماری اس پالیسی کے اندر کورڈ ہیں. اور انشاءاللہ جناب اسپیکر صاحب اسی طرح بات آئی کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ لائف سٹاک اور ایگریکلچر میں کچھ کام نہیں کر رہی ہے, اور اس حکومت کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایگریکلچر میں کیا ہو رہا ہے اور لائف سٹاک میں کیا ہو رہا ہے. میں چونکہ ہمارے دوست ہیں میں صرف ایک تھوڑا سا تجزیہ بتاؤں. ہیلتھ میں جناب اسپیکر صاحب پچھلے سال کے مقابلے میں 40% ہمارا ابھی بجٹ زیادہ ہے. ایجوکیشن میں ہمارا 11% پچھلے سال کے مقابلے میں, ہمارا پچھلا سال, اور ہمارا پچھلا سال دوسروں کے بھی والوں سے زیادہ تھا. پچھلے سال کے مقابلے میں سوشل پروٹیکشن میں ہمارا 62% بجٹ زیادہ ہے. ایگریکلچر میں پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارا 17% بجٹ اس سال زیادہ ہے. ہمارے جناب اسپیکر صاحب بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو وفاق کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم ان میں کو شیئرنگ ہیں, اور وہ تقریباً 10-15 ارب سے زیادہ کے پروجیکٹ ہیں, جس میں ٹنلنگ بھی ہے, نالیوں کا پکا ہونا ہے, پی وی سی پائپنگ ہے, ببلر سسٹم ہے, اسپرنکلر سسٹم ہے, ٹنل فارمنگ ہے, اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اب وہ چونکہ ہمارا شیئرنگ ان کے ساتھ ہے, ہم نے پھر بھی اپنے انیشیٹو لیے ہیں. ہم گورنمنٹ آف بلوچستان اپنی جتنی بھی ان کی اسٹرینتھننگ آف لیبارٹریز ہیں, جو ایک زمانے میں آن فارم مینجمنٹ کا ایک کانسیپٹ بلوچستان میں ہوتا تھا, پچھلے 10-15 سال میں بالکل تباہی کی طرف چلا گیا, ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. ٹنل فارمنگ کی پروموشن کے لیے ہم نے پروجیکٹ رکھا ہے جو کہ بلوچستان کے اندر بڑا کامیاب پروجیکٹ جائے, اور خاص کر پشین, کوئٹہ, قلعہ عبداللہ, زیارت, ان دوسرے خضدار میں تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں, کلات میں یا مستونگ میں ہوگا, بہت کامیابی سے لوگ اب اس میں کھیرا یا دوسرے ویجیٹیبل اگا رہے ہیں, ان کو بڑا ایک فائدہ مل رہا ہے. کولڈ اسٹوریج ہم رکھ رہے ہیں جس میں قلعہ سیف اللہ بھی ہے, جس کے اندر کلات بھی ہے, جس کے اندر ہمارے زیارت کا بھی ہے. ڈیٹ پلانٹ, کھجور, جس کی ہم بہت بات کرتے ہیں. میرے ایک دوست نے بڑی صحیح بات کی, یہاں تربت والے دوست ناراض نہیں ہوئے گا, پنجگور والوں کو کریڈٹ جاتا ہے, تو مجھے انہوں نے کہا جام صاحب کھجور ویسے تربت کا نہیں پنجگور کا ہے, تو جو مذاتی کھجور ہے اصل میں اس کا مخل مذاتی ہی ہے شاید. تو کوالٹی وائز بلوچستان میں اگر یا پورے پاکستان میں کسی ایک کھجور کا اگر آپ نام لیں کہ جس کی کوالٹی بہت اچھی ہو, تو وہ پنجگور میں پائی جاتی ہے. تربت میں بھی ہیں بہت ساری ورائٹی ہیں, بیگم جنگی ہے, اسی طرح شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی فارم ہیں, مذات خوش زندہ آباد ہیں, بہت سارے ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں پنجگور والے بھی آگے ضرور ہیں. تو ہم وہاں پہلا جس طرح خضدار میں ایک ڈیٹ پلانٹ لگا تھا جس کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم پنجگور کو بھی, ہمارا پلان ہے کہ وہاں بھی ایک ہم پلانٹ انشاءاللہ لگائیں گے. سیڈ رجسٹریشن کی طرف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جا رہی ہے, جو کہ بہت اچھا ہے کہ جو سیڈ ہمارے پاس آتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک نمبر ہے, دو نمبر ہے, چار نمبر ہے, 10 نمبر ہے, لگائے جا رہے ہیں. غریب آدمی کے پاس پیسے ہی کچھ ہیں, وہ جا کے کوئی سیڈ پکڑتا ہے, کوئی پیسٹیسائڈ پکڑتا ہے, وہ بھی 2 نمبر لے رہا ہے, 3 نمبر لے رہا ہے. تو ایک تو پیسے ضائع, فصل ضائع, محنت ضائع. جب سیڈ سرٹیفیکیشن آپ کی ہوگی تو آپ کے پاس جینوئن سیڈ بھی آئے گا, جینوئن پیسٹیسائڈ بھی آئے گا, جینوئن باقی آلات بھی آئیں گے جو کم از کم بھی دوائی کی مانند ہے. آج بازار میں اگر 2 نمبر پینیڈول مل رہا ہو, میں آپ 6 درجن دن میں کھاتے رہیں, کچھ اثر نہیں ہوگا, لیکن اگر جینوئن ایک دوائی اگر آپ کو پینیڈول کی مل رہی ہو, وہ آپ کے پیسے بھی بچائے گی اور آپ کو صحت یاب بھی کرے گی. تو انشاءاللہ اس سیڈ سرٹیفیکیشن کی طرف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک پورا پلان لا رہی ہے, انشاءاللہ اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب ہم ویٹنری انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ ایک جاب میں بنا رہے ہیں. میٹھا خان صاحب آج ہمیں موجود ادھر نہیں ہیں, اپنے گھر پہ ہیں, اور ان کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی, جب تک ان کا ٹیسٹ کلیئر نہیں آتا اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور شفا دے. اسی طرح ہم آرٹیفیشیل انسیمینیشن نیٹورک فار جینیٹک امپروومنٹ ان دا پروونس کا کانسیپٹ بھی لا رہے ہیں. یہ بلوچستان کے لیے تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ ہم سب کے لیے نام ہے, لیکن لائف اسٹاک اور ایگریکلچر بلوچستان میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہیں یہاں کے لوگوں کی معیشت کے لیے, اور ہمیں ان آنے والے جب پوسٹ کووڈ کے حوالے سے جو سچویشن بن رہی ہے, ہم اس میں جتنی محنت کریں اتنا کم ہے. ہماری گورنمنٹ اس 2021 کے لیے اس پہ فوکس کر رہی ہے. میں نے جیسے آپ کو جناب اسپیکر صاحب بتایا کہ اسکواش ایک ایسا ایونٹ ہے, اور مجھے بڑی, میں یہاں پہ مبارکباد دینا چاہوں گا جناب خالق ہزارہ صاحب کو,
उनके डिपार्टमेंट को, उस दिन दोस्त बैठे थे, दुनिया में पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्क्वाश प्लेयर खेलने नहीं आए, क्वेटा इंटरनेशनल चार रैंकिंग प्रोफेशनल रैंकिंग प्लेयर्स दुनिया के क्वेटा खेलने आए और यहाँ क्वेटा में दो एक दफ़ा भी नहीं दो दफ़ा आए और टूर्नामेंट खेल के गए। तो मेरे ख्याल ये बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात है कि वो कहीं और सूबे में नहीं गए, यहाँ खेल के चले गए और हमने उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम डिपार्टमेंट ने किया उसको किया। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वैश एकेडमी कॉम्प्लेक्स क्वेटा हम बनाने जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी। इसी तरह हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ शहीद हुसैन अली यूसुफ फुटबॉल स्टेडियम हज़ारा टाउन शुदाबाद का भी कर रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह जाएगा। और इसी तरह जो हमारे बाकी जो 33 कॉम्प्लेक्सेस बनने जाएंगे, ये भी एक खेल के मैदान में एक नई चीज़ लाएंगे। जनाबे स्पीकर साहब, काउंटर टेररिज्म विक जो हमारा जिसपे मैं 70 करोड़ रुपए सिर्फ, हालांकि सिर्फ नहीं है बहुत बड़ी रकम है, कि हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज एकोमोडेशन सेंटर्स फॉर केटरिंग द नीड्स ऑफ काउंटर टेररिज्म विंग CTW क्विक रिस्पॉन्स फोर्स QRF और सोशो इकोनॉमिक यूनिट जो ये पुलिस के और लेबीज के हवाले से हैं, इसके अंदर हम एक बहुत से रख रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान हुकूमत पिछले, जैसे मैंने आपको कहा, PSDP के हवाले से हमने बहुत बड़ी डिलिब्रेशन की है। तकरीबन कोई 200 से 250 ऐसी स्कीमात हैं जो बहुत सारी वजूहात की वजह से, जिनको हमने थोड़ा सा देखना है। 2001 से स्कीम चल रही है, 1997 से चल रही है, 2011 से चल रही है, 10% काम हुआ है, 10 सालों में कुछ काम पैसे नहीं खर्च हुए, तो ऐसे तकरीबन 250-300 स्कीमात हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं, अम्ब्रेला स्कीम की भी हैं और बड़ी मिक्स स्कीमात हैं। अब जल्दबाजी में तो बड़ा आसान है कि जी निकाल दें या डाल दें। हमने बाकायदा इसका प्लान किया कि उस अदर में हमने 2 अरब रुपए रखे सिर्फ अनकैप्ड स्कीम्स के लिए, किसी और स्कीम में खर्च ही नहीं हो सकते, और उसके लिए भी कैबिनेट में इनको जाना पड़ेगा। हमारी इंशाल्लाह कैबिनेट की कमेटी इस असेंबली के बजट के पास होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, अपना इंशाल्लाह 1-2 महीनों में काम स्टार्ट करेगी। कैबिनेट की कमेटी, हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट और CS ये सारे मेंबरान बैठ के हम उन तकरीबन 250-300 स्कीमात पे डिसीजंस लेंगे। अब मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की एक मिसाल देता हूँ और किसी की नहीं देता। जनाब स्पीकर साहब, मेरे वालिद साहब CM थे, एक रेजिडेंशियल कॉलेज का शुरू आज इस तरह हम करा रहे हैं, उन्होंने भी शुरुआत कराई BRC उत्थल 2003 में शुरू हुआ, आज जनाब स्पीकर साहब 2019-20 आ गया, वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। वो इसीलिए कंप्लीट नहीं है कि उसकी 4 दीवारी 500 एकड़ पे, तो वो जब तक दीवारी कायम हो जाए तो टाइम तो पूरा हो जाना BRC का भी। और BRC 500 एकड़ पे उसने करना क्या है? आप एक BRC को आराम से आजकल के दौर में दुनिया में आप जाएं, यूरोप, अमेरिका, लंदन, पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, 5-5 एकड़ पे, 1-1 एकड़ पे, आधे आधे एकड़ पे, 4-4 एकड़ पे, 1000-1000 गज पे यूनिवर्सिटियां खड़ी हैं, 10-10 फ्लोरा खड़ी हैं। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह ये कौन कौन से रोड हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। परी चश्मा रोड है, चुटुक मोला से खारजान है, कोस्टल हाईवे से कलमत है, सिब्बी टू नाड़ी गोर्ज है, जंगी नवार कैंपिंग साइट नौशकी है, कुंड मलीर है, एक आपका है जमाली टू गरी खेरो है, शाबान वैली उड़क है। इसी तरह आपके कोस्टल हाईवे पे जो तकरीबन हमारा 550-600 किलोमीटर का है, इस पे इंशाल्लाह हर 50-60 किलोमीटर बाद हम एक फैसिलिटी, और मेरे जहन में था कि न सिर्फ हम उधर बनाएंगे, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि तुरबत, पंजगूर, ग्वादर, होशाब, इस रूट पे भी हम बनाएंगे कि हर 40-50 किलोमीटर बाद एक सरकारी फैसिलिटी हो, फिर उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दें, जिसमें कम से कम एक मस्जिद हो, एक रेस्ट एरिया हो, एक रेस्टोरेंट हो, एक सर्विस एरिया हो, एक स्टेशन का एरिया हो, जो गवर्नमेंट बना के देगी, फिर हम इसको प्राइवेट सेक्टर में देंगे अगर कोई प्राइवेट सेक्टर उसको उठाना चाहता है, क्योंकि सरकार इन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर सकती। प्राइवेट सेक्टर फिर मंथली आपको जिस फॉर्मूले पे दे फिर उसकी मर्जी है। इसी तरह आपके लिए
मॉडलिंग रिक्रिएशनल पार्क है, स्पिन कारेस का है क्वेटा का, ये इस पर हम बना रहे हैं। और फिर बलूचिस्तान के बीचेस पे जितनी भी जगह हैं वो कोस्ट बीसीडी का जो हमारा प्लान है जो तकरीबन 3-4 अरब का है वो इससे हटकर है, जहां हम बहुत सारे नए पार्क्स और ऐसे एरियाज बना रहे हैं। जनाबी स्पीकर साहब, इसके साथ साथ कच्ची केनाल डेवलपमेंट जो एक हमारी ऑन गोइंग है, इसी तरह हमारे पास फ्लोटिंग जेटीज का हम एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि अभी हमने ओरमाड़ा में और एक दो जगह देखा कि माजी की तरह हमने जेटीज बनाई हैं जो एक गडानी में बनी, डाम में बनी, फिर आपके एक पसनी में बनी, फिर आपके ग्वादर में बनी, फिर जीवनी में बनी, और वो सब मिट्टियों से भरी हुई है, कश्ती उनके अंदर एक भी नहीं है माशाल्लाह। यानी कि हम समझ रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी बन जाएगी, चार दीवारी खड़ी कर देंगे पानी आ जाएगा, कश्तियाँ सब उससे बाहर हैं क्योंकि वो सारी सिल्टअप हो गई हैं, और वो सिल्टअप के लिए जो आप ड्रेजर लाएंगे उसकी कीमत इस जेटी से भी ज़्यादा है। तो ये तो हमारी स्ट्रेटजी है कि पैसा एक तो लगाएं, गलत लगाएं, फिर डूब भी जाएं। और अभी ओरमाड़ा में नेवी वालों ने एक बड़ा अच्छा एक जेटी बनाया जो कि समंदर के अंदर तकरीबन कोई कम से कम 400 फीट जा रहा है, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने बनाया है, वो कुछ बंद नहीं कर रहा, नेचुरल मूवमेंट ऑफ पानी भी रख रहा है, और वो भी मछेरों को फ़ायदा दे रहा है। तो हम उन फ्लोटिंग जेटीज की तरफ इंशाल्लाह प्लान बना रहे हैं। हम जनाब स्पीकर साहब, क्रशिंग आयरन ओर प्लांट दालबंदीन, मुस्लिम बाग क्रोमाइट, वॉशिंग कोल एट स्पिन कारेज, बेराइट क्रशिंग प्लांट, मार्बल प्लांट एट दालबंदीन, खुजदार लोरलाई बेला जिसकी पहले मैंने आपको बात की, ये हमारी चल रही हैं। और इसी तरह हमारे पास कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो तरतीब के अंदर हैं। ये जनाब स्पीकर साहब कुछ वो प्रोग्राम्स थे जो मैं आपको डेवलपमेंट के साइड पर मैंने इसी तफसील आपको बताई। लास्ट एक दो पोर्शंस की तरफ मैं आ रहा हूँ। आप लोगों ने भी बड़ा वक्त लिया तो मैंने भी सोचा कि 1-2-3-4 घंटे मैं भी ले लूँ ताकि सारी चीज़ों का बयान कर दूँ, और ताकि ये इसलिए ज़रूरी है कि साल के शुरू होने से पहले हमारी आवाम इस तकरीर के थ्रू और आपकी और हम सब की तकारीर के थ्रू ये फैसला कर सकें कि हुकूमत ने अपना क्या नज़रिया पेश किया, अपोजिशन ने अपना क्या नज़रिया पेश किया, हुकूमत अपोजिशन दोनों का नज़रिया क्या है, और इसमें फ़र्क फिर पब्लिक अपना फैसला करे कि क्या ये मंसूबे जो हमने इस तकरीर के थ्रू, आपके बहस के थ्रू, आपके बजट के थ्रू, ज़हूर बुलेदी साहब के स्पीच के थ्रू, अगर एक पढ़ी लिखी कौम जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान से बाहर भी है, बलूचिस्तान के लोग दुनिया में भी हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह शऊर रखते हैं, सफ़ेद काले का फ़र्क रखते हैं, अच्छे बुरे का फ़र्क रखते हैं, करें ना करें वो अलग बात है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मानते हैं दिल से लेकिन करते नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम उस दिल को इत्मीनान देने के लिए जो एक फ़र्द का है, हमारे लिए दलाइत इंशाल्लाह काफ़ी होंगे, भले किसी पार्टी से कोई भी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन कम से कम ये अपने दिल में सोचेगा कि इस हुकूमत ने ये प्रोग्राम जो बनाए हैं, बात थोड़ी ठीक तो लगती है कहीं से, चले गलत भी लगे कोई बात नहीं, लेकिन सोच तो कम से कम उनमें आए। जनाब स्पीकर साहब, मैंने आपको पहले अपग्रेडेशन ऑफ कॉलेजेस का बताया जिसमें जितने भी बलूचिस्तान के इंशाल्लाह कॉलेजेस हैं उसमें भी इंशाल्लाह हम एक तब्दीली लाएंगे, ये सारे डिग्रीज इंशाल्लाह होंगे। हम इंशाल्लाह जनाब स्पीकर साहब ज़मींदारों का जो एक शेयर है 25% का जो कि प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में उन्होंने देना था, इंशाल्लाह उसकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत बलूचिस्तान लेगी, और वो ज़मींदार वो जो हिस्सा है जिसमें उन्होंने नाली बनाने में, तालाब बनाने में, पीवीसी पाइप लाने में, दूसरी चीज़ों में देना था, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। मेरे दोस्त ने कहा कि जी वो ग्रीन ट्रैक्टर गायब हो गया, बिल्कुल गायब नहीं हुआ, हम ज़मरू खान साहब अभी मौजूद नहीं हैं, ग्रीन ट्रैक्टर का पूरा हमारा प्रोग्राम पूरा बन गया था, टेंडर भी हो गया था, और बाकायदा जिन बैंक्स के साथ हमने बात करनी थी वो भी बात हो गए थे, यहाँ तक कि हर चीज़ तय हो गई थी। फिर ये कोविड जब मार्च में, फरवरी के एंड में, मार्च में स्टार्ट हुआ, और मेरे ख्याल वो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे समझदार भी हैं, इंटरेस्ट रेट दुनिया में गिर गए, पाकिस्तान में गिर गए, बैंकिंग्स के मैकेनिज्म्स चेंज थोड़े से आ गए, हर चीज़ आ गए, और 3-4 महीने तक हर चीज़ आज के दिन तक बहुत बिजनेस एक्टिविटी डाउन है, लिहाजा हम उसको रीनेगोशिएट उनके साथ करेंगे, वो बिल्कुल प्रोजेक्ट हमारा उसी तरह इंटैक्ट है और इंशाल्लाह उसी तरह इंटैक्ट रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह हुकूमत के वफाक ने भी
जिस बात का ऐलान किया था और हमारे सब की तरफ से थे कि जो एम्प्लॉज़ का 10% इंक्रीज का था, ज़रूर साहब मुझे बता रहे थे कि हुकूमत बलूचिस्तान का भी इंशाल्लाह वही मौक़िफ़ है जो हमारे वफाक और बाकी सूबों ने भी लिया है, जिसके हवाले से जो कि एक ज़रूरत भी है और हम भी कोशिश करते हैं कि उस चीज़ में लोगों को भी सहूलत दें जो कि हमारे एम्प्लॉज़ के लिए भी ज़रूरत है और दूसरों के लिए भी जिसकी बहुत ज़रूरत है। जनाबे स्पीकर साहब, इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ों में हम एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सेकेंडरी एजुकेशन का ला रहे हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन का एक प्रोग्राम ला रहे हैं, हम साथ साथ लोकस कंट्रोल का मैं आपको बता चुका हूँ, हम एक पेंशन फंड भी बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फाइनेंस डिपार्टमेंट पहली दफ़ा एक पेंशन फंड की तरफ भी काम कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि ये पेंशन फंड हर साल बहुत बढ़ता जाएगा और आने वाले वक्त में बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू भी बनता जाएगा। दो तीन चीज़ें जनाब स्पीकर साहब, हमने एक नया BCOC का कॉन्सेप्ट बनाया है, बलूचिस्तान कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का। आपने देखा होगा इस कोविड में हमने महसूस किया कि हर इदारा काम करती है, हर डिपार्टमेंट काम करती है, लेकिन कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इन सबको देख रही हो। चीफ सेक्रेटरी साहब का एक अपना काम है, वो सारे डिपार्टमेंट्स को ओवरसी भी करते हैं, डे टू डे बिजनेसेस हैं, फाइल वर्क है, CM है, कैबिनेट है, पॉलिटिकल है, पब्लिक अपेयरेंस है, बाकी 10 चीज़ें होती हैं। SNJD का एक अपना काम है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक काम है, लेकिन कोई ऐसा एक डिपार्टमेंट नहीं है जो ये देख रहा हो इस पूरे कमरे में कि ये बाकी डिपार्टमेंट क्या इस प्लान के तहत जो कि हुकूमत ने बनाया है या जो हालात हैं या जो मामलात पॉलिसी के तहत कैबिनेट ने बाकी ने बनाए, क्या उन सब चीज़ों पे ये बाकी डिपार्टमेंट सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कितनी स्पीड में जा रहे हैं, कितनी अचीवमेंट हुई है, क्या चैलेंजेस हैं और कौन सी चीज़ें हैं। PDMA में हमारा एक बड़ा पुराना होता था, उसकी ज़रूरत कोविड से कोरोना से जब आई कि जब कोरोना का ये सारा इम्पैक्ट आया तो सारी चीज़ें हमने PDMA में डाल दी। अब PDMA ने ज़िंदगी भर काम अगर किया है वो सैलाब का, बर्फ़ का और अर्थक्वेक का थोड़ा बहुत किया है, बाकी उनको ये कोविड इनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। तो हमने महसूस किया कि ये अभी हमें किसी एक और नौयत की ऐसी अथॉरिटी नहीं, हम इसको इंशाल्लाह SNJD का एक हिस्सा बनाने जा रहे हैं कि ये वो विंग होगा SNJD के अंदर जो अपनी एनालिसिस भी करेगा, डिपार्टमेंट्स को देखेगा भी और इन सारी चीज़ों का एक रिपोर्ट बना के चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के लिए पेश करेगा, ताकि कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि हम समझते हैं कि शायद एक सेक्रेटरी एक इदारा काम कर रही है, कभी कभी जानबूझ के गफलत नहीं होती, कभी कभी बताना भी, मैं कहता हूँ कभी कभी बता दिया करें, इंसान भूल जाता है, इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो जब आप याद दिलाते हैं तो एक अफसर को एक इदारे को याद आ जाता है, यस ये जिम्मेदारी मेरी थी, पता नहीं क्यों जहन से निकल गया, हम भूल गए, बिल्कुल सर अभी इसको करते हैं। तो ये इदारा होगा जो आपको रिमाइंडर्स भी देगा, आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत वॉच भी करेगा, क्योंकि सरकार के अंदर फॉलो अप का सिस्टम अभी तक उस तरह कायम नहीं हुआ जो कि होना चाहिए। अफसर काम करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन मैकेनिज्म्स कभी कभी बड़े स्लो हो जाते हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, बहुत सारे मेंबरान ने ये बात भी की थी, इसी तरह चीफ मिनिस्ट्री डिलीवरी यूनिट का है, एक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया रिफॉर्म आ रहा है, एक रिफॉर्म्स ऑफ PSDP प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन का भी हम बना रहे हैं जो कि शायद बलूचिस्तान में अपनी नौयत का पहला होगा। बलूचिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं, बलूचिस्तान रीवैम्पिंग एंड रिफॉर्म्स इन हेल्थ सेक्टर भी हम ला रहे हैं इंशाल्लाह 2021 के अंदर। सोशो इकोनॉमिक इनिशिएटिव कोविड का मैंने आपको जनाब स्पीकर साहब बताया, सपोर्ट एजुकेशन पुअर, लॉन्च ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का एक प्रोग्राम जो आ रहा है, बलूचिस्तान सिविल एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस का मैंने आपको बताया, कुछ लोकस्ट का है, कुछ पेंशन का है, इसी तरह 10 विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स इंशाल्लाह हम बना रहे हैं सोशल प्रोटेक्शन में, हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुराना है लेकिन उसको हमने थोड़ा और तकवीत देनी है, जो हमने पहली दफ़ा कोई भी सूबा है जिसने माइनॉरिटी अफेयर्स का डिपार्टमेंट बनाया है, इस साल इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा और बेहतर करेंगे। इसी तरह हमारा अखुवत प्रोग्राम आगे की तरफ जाएगा, फैमिली हेल्थ वेलफेयर क्लिनिक्स इंशाल्लाह 20 DHQs में हम बनाने जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 46 कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर्स बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरह हम एक कुरानिक एकेडमी क्वेटा में भी बनाने जा रहे हैं जो अपनी नौयत का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन 1 अरब से लो
कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का हम बनाने जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह लो कॉस्टिंग हाउस स्कीम का होगा, जो कि लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। डिसेबल का जो इस तरह एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज हुआ था, टोटल हेल्थ बजट जिस तरह मैंने आपको बताया 40% बढ़ा, इसी तरह हमारे पास तकरीबन कोई 100 DHQs को जिनको हम टीचिंग हॉस्पिटल्स बनाएंगे मेडिकल में, उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम है। एम्बुलेंसेस हम पिछले साल भी बहुत ख़रीद चुके थे, लेकिन इस साल भी हम मज़ीद और ख़रीदने जा रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ अज़ला के अंदर जाएंगे बेसिकली। इसी तरह तकरीबन कोई बहुत सारी पोस्टें हमने इस कोविड में हेल्थ केयर, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स के हवाले से फिल की हैं, लेकिन आने वाले इसमें हम इसको और मज़ीद ले जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICUs इन 6 DHQs इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं। ट्रेचरी हॉस्पिटल इन तुरबत, नसीराबाद, ताफ्तान और अकबर का है, इसको इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं। प्रोविजन ऑफ बसेस टू कॉल मेडिकल कॉलेजेस, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन को इन कॉलेजेस जहां विमेन खासकर जाती हैं, उस सिस्टम को बेहतर करने का। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह से 1500 से 1600 न्यू SNEs की क्रिएशन है इन फील्ड्स के अंदर। एजुकेशन सेक्टर का नया प्लान जो 2020-24 कहलाएगा, वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस साल में अनाउंस करेगी, उसके तहत बहुत सारी चीज़ें होंगी। और इसी तरह हम परचेज ऑफ फर्नीचर्स एंड गुड्स जो स्कूल्स के अंदर हैं, उस प्रोग्राम की एक्सटेंशन है हमारी, जो मुख्तलिफ अजलाओं में हम देंगे। इसी तरह तकरीबन मॉडल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, इसी तरह तकरीबन 18 मिडिल्स को हाई और 85 प्राइमरीज को मिडिल स्कूल्स बनाना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, परफॉर्मेंस ग्रांट फॉर हाई परफॉर्मिंग एजुकेशन फैसिलिटीज़ का लाना, ये भी एक हमारा है। जनाब स्पीकर साहब, हायर एजुकेशन के हवाले से हम तकरीबन कोई 450 नई पोस्टें क्रिएट कर रहे हैं, इनकी ग्रांट्स को हम बढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, लेकिन उसके मेकेनिज़म के तहत हम इंशाल्लाह उसको बनाएंगे। तकरीबन कॉलेजेस का मैंने आपको जैसे बताया कि गर्ल्स का हमने किया है, बॉयज़ का इंशाल्लाह हम करेंगे। रीन्यूमरेशन ऑफ BS क्लासेस जो हैं, उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गर्ल्स कॉलेजेस एट अवरान भी होगा, बारखान भी होगा, चागी भी है, डेरा बुक्ती है, दुक्की है, ग्वादर है, हरनाई है, बहुत सारे और दूसरे अजला भी हैं, किला अब्दुल्ला का है, किला सैफुल्ला का है, सोबतपुर का है। मेन मकसद है कोई ऐसा ज़िला ना हो जिसके अंदर कोई कॉलेज गर्ल्स या बॉयज़ ना हो इंशाल्लाह, बल्कि हलकों में भी, और बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन तीन चीज़ों में से एक ज़रूर हम कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे ऐसे अजला हैं जिनमें ये दो भी हैं, तीन भी हैं, BRC पॉलीटेक्निक कैडेट कॉलेजेस, हम अभी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अजला हैं जिनमें इन तीनों में से एक भी नहीं है, तो बलूचिस्तान का कोई ऐसा अजला ना हो जिनमें ये फैसिलिटीज़ में से कोई एक ना हो, इंशाल्लाह इस साल आने वाले सालों में हम उसको भी पूरा करेंगे, जिसकी हमने शुरुआत इस बजट से बेसिकली कर दी है। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, SNEs हमने एग्रीकल्चर में भी बढ़ाए हैं, CNW में भी। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं कि उनकी मशीनरी और उनका एक नया तकरीबन इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर इंजीनियर्स का हमने डिप्लोमा होल्डर्स का शुरू किया है, कि बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे इंटर्नशिप पे लगा रहे हैं। कोविड से थोड़ा सा 3-4 महीने का गैप आया था, लेकिन अब स्टार्ट होंगे, जिनको कम से कम मेरे ख्याल एक 15,000 से 25,000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो उन रोड्स पे काम भी करेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी बेसिकली गेन करेंगे। इसी तरह से हमने एक और है कि बलूचिस्तान इतना बड़ा डिपार्टमेंट है CNW का, इसका अपना डिज़ाइन सेंटर नहीं है, या हम जाते हैं 4 आर्किटेक्टों को पकड़ते हैं, या कभी कभी तो बने बनाए हैं, उन्हीं से PC1s और उन्हीं से डिज़ाइंस बनते हैं। इंशाल्लाह डिपार्टमेंट अपना जो एक डिज़ाइन सेल है वो पहला खुद अपना CNW इस्टेब्लिश करेगा। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, PHE के अंदर हमने वासा ने अपनी रेवेन्यू जनरेशन बहुत इंक्रीज़ की है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। ये वासा की रेवेन्यू जनरेशन पिछले गवर्नमेंट्स में अगर मिसालें कहीं अगर 5 करोड़ होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो हमने अपना तखमिया लगाया, हम उसको 5 से 15 पे ले गए या 20 पे ले गए, और आस्ते आस्ते ये भी इंशाल्लाह अपनी बढ़ रही हैं। एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है जो कि जिसका आगाज़ हो चुका है, कि बलूचिस्तान के जितने भी सोलर बलूचिस्तान के वो वाटर सप्लाई स्कीम जो सरकारी हैं, जो डीजल ये बिजली पे चलते हैं, उनको हम सोलराइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। PHE डिपार्टमेंट ने तकरीबन उसको किया है, ये शुरुआत में इंशाल्लाह पहले साल हमारे कोई 2.5 साल थे, इस साल भी हमने उसको रखा है, तो इंशाल्लाह इस फेज़ में हम इसको कंप्लीट करेंगे।
60 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में वाटर क्वालिटी लैब्स भी बनाए जा रहे हैं। पीएचई का बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसी तरह इन लैब्स से और कुछ नहीं, चीज़ों को थोड़ा फिल्ट्रेशन, थोड़ा सा एक मेकैनिज्म पीएचई के पास हो कि वहाँ वाटर के हवाले से क्या काम मज़ीद करना चाहिए। जनाबे एक चैरिटीज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कायम की गई है, उसको थोड़ा बरूकार लाते हुए सोशल डिपार्टमेंट उसको आगे ला रही है। हुनरमंद प्रोग्राम एक हमारा नया प्रोग्राम है जिसमें हम तकरीबन 25 करोड़ से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में काम, तो हमने इसका एग्रीमेंट पहले स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 महीने में ये कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी, तो ये हुनरमंद प्रोग्राम हमारा वो प्रोग्राम है जो बलूचिस्तान के हर अजला के अंदर कम से कम भी तकरीबन 300-350 लोगों को कोई 6 महीने की ट्रेनिंग देगी और उनको सर्टिफाई करेगी और उनको किसी न किसी एक स्किल में काबिल बनाएगी ताकि वो अपना कोई आगे जाके छोटा मोटा काम कर सकें। हम जनाब स्पीकर साहब तकरीबन कोई 11 नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स बना रहे हैं, 21 कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर्स बना रहे हैं, 6 स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, 9 मेडिकल सोशल सर्विसेज सेंटर्स बना रहे हैं और 3 ह्यूमन राइट्स ऑफिसेज विद अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ 98 मिलियन का भी हम ला रहे हैं। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम एक ज़माने में, मुझे याद है कि CNW डिपार्टमेंट, इरिगेशन, PHE डिपार्टमेंट बहुत सारे काम अपने खुद करती थी, लेकिन ये जो मेंटेनेंस और बाकी विंग्स हैं ये ख़त्म होते गए, लेकिन हम इनको रिवाइव कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें लाखों की मद से डिपार्टमेंट खुद काम करा सकता है, लेकिन वही जब हम टेंडर फॉर्म में या किसी और तरीके से जाते हैं फिर वहाँ करोड़ों रुपये भी हमसे खर्च हो जाते हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब हम तकरीबन कोई 25 वोकेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट टेलरिंग एंड नेटिंग सेंटर्स बना रहे हैं इंशाल्लाह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू इस आने वाले साल में। मार्बल प्लांट का मैंने आपको बता दिया था, कोल वॉशिंग प्लांट का मैंने आपको बता दिया, आयरन क्रशन प्लांट का, नोकंडी का मैंने आपको बताया, माइन एक्सेस रोड पहली दफ़ा हम बना रहे हैं, एक है पहली दफ़ा LPG टर्मिनल, जो टर्मिनल है वो ताफ्तान पे इंशाल्लाह हुकूमत बलूचिस्तान खुद बनाने जाएगी, क्योंकि वहाँ टर्मिनल का बहुत बड़ा काम है और इससे न सिर्फ वहाँ एक काम की नौइयत बेहतर होगी बल्कि हुकूमत बलूचिस्तान को इससे एक बहुत बड़ी रेवेन्यू भी जनरेट हो सकेगी। लोकल गवर्नमेंट में जनाब स्पीकर साहब हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं जिसको हम थोड़ा सा चीज़ों को मशीनरी इक्विपमेंट के मद में बेहतर करें, तो बलूचिस्तान के सारे म्यूनसिपल कमेटीज़ और कॉरपोरेशंस के अंदर मशीनरी के मद में इस वक्त हमने तकरीबन कोई 1.5 अरब रखा है, लेकिन इसको शायद बढ़ाएंगे कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो एक म्यूनसिपल कमेटी को, एक छोटे शहर को ज़रूरत होती हैं वो उनको देना बहुत लाजिम है, जिसमें कहीं ट्रैक्टर है, कहीं बाउजर है, कहीं फायर ब्रिगेड है, तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारा आ रहा है। और पहली दफ़ा हर यूनियन काउंसिल के अंदर नादरा के डेटा बैंक के साथ हम एक बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेशन का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारे लोगों को, बहुत सारे हमारे देहाती लोगों को बड़ा मसला आता है, आते हैं शहरों में नादरा और चूँ अब चीज़ें दुनिया में उस नौइयत पे जा रही हैं जहाँ डिजिटल रिक्वायरमेंट बड़ी बढ़ती जा रही है, ऑथेंटिकेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे देहाती लोग, उनके पास ये चीज़ें उस नौइयत की नहीं है क्योंकि सरकार ने कभी बनाई नहीं है, तो वो अभी उस चीज़ को हम इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि उनको आइंदा आने वाले टाइमों में नादरा या बेफॉर्म इन चीज़ों में दिक्कत ना पेश आए। इसी तरह इंशाल्लाह जनाब स्पीकर साहब हम इवेंट्स हों स्पोर्ट्स के, मार्शल आर्ट्स का इंशाल्लाह हम एक जिनेजियम अयूब स्टेडियम में भी बनाने जा रहे हैं और तकरीबन हम पहली दफ़ा 7 डिविजनल लेवल पे स्पोर्ट्स ऑफिसेज भी इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। इको टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिज्म रिजॉर्ट्स, कोस्टल हाईवे, हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रिक्रिएशनल पार्क्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, जंगी कैंपस साइट जिसका मैंने आपको बाकियों का बता दिया, ये वो चीज़ें जो हम थोड़ी उस तरफ भी ला रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोग्राम हम बलूचिस्तान में एक लॉन्च कर रहे हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें आप समझे रिवैम्पिंग ऑफ लेवीज फोर्स, तकरीबन 1 अरब रुपए हम सिर्फ खास लगाएंगे जो रिवैम्प करेगी लेवीज फोर्स के वो एलिमेंट्स के हवाले से, बल्कि इसमें आसिफ साहब को, असगर साहब को वैसे ही बैठना चाहिए थे, लेवीज़ की बात है कि आप चले जा रहे हैं, आप फिर लेवीज़ पे जा रहे हैं नहीं आप पढ़ लें, तो ये फोकस सिर्फ उस पर होगा लेवीज़ पे और उस पर हम इस पर खर्च करने जाएंगे। बलूचिस्तान का इस तरह से इन्हांसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ इन प्रिजन्स का एक हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ताकि ये इनको थोड़ा बेहतर किया जाए।
बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के हवाले से रिवैम्पिंग का भी एक प्रोग्राम हमारा है जो कि लॉ एंड ऑर्डर का है। जनाब स्पीकर साहब, माइन ओनर्स के लिए बलूचिस्तान मेटल पार्क हो, मिनरल पॉलिसी हो, मिनरल कॉम्प्लेक्स हो, बलूचिस्तान मिनरल स्टडी हो, डिजिटलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी रिजीम हो, ये माइंस डिपार्टमेंट के थ्रू इंशाल्लाह हम ला रहे हैं। मेडिकल लाइफ स्टॉक के हवाले से कुछ चीज़ें जो हम इनिशिएट ले रहे हैं, जिसमें तकरीबन मेडिकल वैक्सीन्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स के लिए हैचरीज का है, एडिशनल वर्क ऑफ हाइड एंड स्किन मार्केट क्वेटा है, वेटनरी रिपोर्टिंग एंड MIS सिस्टम इन बलूचिस्तान है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेटवर्क ऑफ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोविंस है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वारंटीन सेंटर्स फॉर एक्सपोर्टेबल लाइफ स्टॉक, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है जिस पर हमें काम करना चाहिए, वो हम इन क्वारंटीन सेंटर्स भी लाइफ स्टॉक के लिए बना रहे हैं। लाइफ स्टॉक में के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम ई फिलिंग सिस्टम 5 डिपार्टमेंट्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम IT के थ्रू करेंगे। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि इस कोविड के बाद बड़ा निकला है, उसको हमने नाम दिया है इट्स कॉल्ड DGBiz, जो कि फ्री लांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का है, क्योंकि इस कोविड के बाद दुनिया में 30-40% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो काम थे जो पहले हमारे ये सारे लोग करते थे, शायद जॉबलेस होंगे। अब उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जहाँ IT के फील्ड के थ्रू, और आज IT के फील्ड के थ्रू बहुत सारे ऐसा काम हो रहा है। हमारे यहाँ भी आप सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आपने 2 महीनों में देखा होगा कि जो बिल्कुल IT से रिलेटेड बहुत कम थे, आज वीडियो पे मैसेजिंग भी कर रहे हैं, वीडियो पे कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। वासा और PHE के इंशाल्लाह कंप्यूटराइज बिलिंग की तरफ एक प्रोजेक्ट है जिसको हम शुरू कर रहे हैं, जो उसको बेहतर करें। डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान रूल्स प्रोजेक्ट्स, ये हमारा आ रहा है। इमर्जिंग डिजिटल बलूचिस्तान प्रोजेक्ट हम एक ला रहे हैं, और वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम फॉर कॉलेजेस भी इंशाल्लाह इस साल हम IT डिपार्टमेंट के थ्रू अपने कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए हम इंशाल्लाह लाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसमें सी एम्बुलेंस का भी एक कॉन्सेप्ट था, अभी तो हवा में इतने बड़ा मसला हो गया, समंदर पे तो और बड़ा मसला बन जाएगा, लेकिन उसके लिए हम सी एम्बुलेंस का एक कॉन्सेप्ट अपने माइगीरों के लिए ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह परचेज ऑफ बोट्स, इसी तरह ग्रीन बोट्स का एक कॉन्सेप्ट, सिलिकॉनिया प्लांटेशन हो, फ्लोटिंग जेटीज हो, और एक चीज़ जो हम पहली दफ़ा पूरे पाकिस्तान में लाए हैं, ऑलरेडी हो चुका है, वो काम भी मिल चुका है, वो है वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि जितने भी हमारे बोट के वेसल्स हैं ये जहाँ भी जाएंगे पूरे समंदर में इनका एक ट्रैकिंग सिस्टम होगा, इनके पास एक बटन सिस्टम SOS का भी होगा कि अगर इनको इमरजेंसी हो गई तो अपने बटन या अपने बोट में कहीं भी दबाएंगे तो मेन सेंटर में अलर्ट आएगा, और अगर सेंटर इनको कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है तो वो भी सिस्टम इनके पास उस सिस्टम के थ्रू आएगा। जनाब स्पीकर साहब, इस चीज़ों में जो एक नॉन डेवलपमेंट का एस्पेक्ट था, इस पर मेरी कोशिश थी कि मैं ये सारी चीज़ें किसी हद तक कवर कर सकूं और हुकूमत बलूचिस्तान का मौक़िफ पेश कर सकूं। अपोजिशन वाले हैं नहीं, लेकिन उनके सारे पॉइंट्स मेरे पास हैं, और मेरे ख़्याल जितनी चीज़ें उन्होंने अपनी तजावीज़ दिए, अपनी तनकीद की, अपने इश्यूज़ बताए, हर चीज़ पे उन्होंने बात की, मैंने अपनी कोशिश की है कि पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं, अपनी तकरीर के अंदर इन सब को किसी ना किसी हवाले से कवर ज़रूर करूं। अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं 1 घंटा मज़ीद भी इस पे बात कर सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल चूँकि आज वो मौजूद नहीं है, अगर होते तो मैं यकीनी तौर पर, और ये सीरियसनेस है, ये इस हुकूमत की सीरियसनेस है, वरना हुकूमत चाहे तो आपके पॉइंट भी नोट ना करे, आपके हर पॉइंट को यहाँ पर बैठे हुए हुकूमत बलूचिस्तान के हर डिपार्टमेंट ने नोट किया है और मेरे लिए पुटअप किया है, और हमने अपने जवाबात भी बनाए हैं। ये सारी मेहनत इसलिए हुई कि आज आप अगर यहाँ बैठे होते तो ये सारे जवाबात मैं अभी आपको आपके हर पॉइंट का दे रहा होता, लेकिन अफसोस के मैं मुखातिब हूँ खाली कुर्सियों से, जो ना बोल रहे हैं ना हिल रहे हैं, तो शायद यहाँ होते तो मैं ज़रूर ये इन सारी चीज़ों का कहता कि जहाँ वो हमें इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं कि जी इनको एहसास नहीं है, इनकी मिनिस्ट्रीज़ को एहसास नहीं है, तो मैं बताता चलूँ हमारी मिनिस्ट्रीज़ को बिल्कुल एहसास है, उन्होंने पहले दिन से आखिरी दिन तक आपकी सारी चीज़ों को सुना है,
नाम वाइज नोट किया है और अपना इनपुट भी आपके लिए बेसिकली यहाँ दिया है। तो मैं जनाब स्पीकर साहब आखिर में वाइंड अप करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं उन सब का बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने इस पूरे बजट में हुकूमत बलूचिस्तान की मावनत की, असेंबली के स्टाफ की, आपकी, आपकी पूरी टीम की, मीडिया की, यहाँ रहे हमारे दोस्तों की, एक बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे माहौल में हम सब इधर आए, हमने अपनी तकारीर भी की, हमने अपने सजेशंस भी दिए और हमने एक बड़े अच्छे अंदाज में बजट में हिस्सा लिया और कोशिश की कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जो भी मंसूबा, जो भी एक अच्छा प्लान, जो भी एक अच्छी सोच है उसको हम इस बजट का हिस्सा बनाएं। ये बजट 100% अच्छा नहीं हो सकता और दुनिया का कोई बजट भी होता भी नहीं है, क्योंकि हर साल आपकी नौइयत, 6 महीने किसको पता था कोरोना वायरस का, किसी को कुछ नहीं पता था। एक वायरस दुनिया की पॉलिसी चेंज करती है, दुनिया के तरीक़ेकार को बदलती है, दुनिया के माहौल को बदलती है, उसके एटीट्यूड को बदलती है, उसके बिहेवियर को बदलती है। तो आने वाला वक्त क्या चीज़ें लाएगी, कोई बजटेड नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी तैयारी करते हैं, आप अपने लिए प्लान बनाते हैं, आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप उस स्ट्रैटेजी पे फिर एक तरीक़ेकार बनाते हैं, फिर उस पर आप अमल दरामद होते हुए उनको हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा पुरउम्मीद हूँ कि जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट्स में हमारे मिनिस्टर्स ने दिलचस्पी लेते हुए अपने डिपार्टमेंट्स में वो अपने सारे टारगेट कोशिश किए हर लिहाज पे उनको अचीव करने के, इंशाल्लाह इस साल हम उसको और बेहतर करेंगे और उसको बेहतर करते करते हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको एक सही इफ़ेक्टिव मोड में ज़मीन पे लाएं और ताकि उसको लोग देखें। मैं यकीनी तौर पे आखिर में जो आपकी तजवीज़ असेंबली की आई है जहाँ पे मुलाजमीन के लिए ज़मीन का ऐलान भी इंशाल्लाह हम करते हैं ताकि सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को भी ज़मीन मिले जहाँ उनको प्लॉटिंग मिल सके और इसी तरह दूसरों के लिए। जनाब स्पीकर साहब आपका बड़ा बड़ा मशहूर है हम कि जी वो तो शामिल बता दिए थे ना, हमने उस पर शामिल है हमारे एजुकेशन प्लान में, हमने कहा था कि रखनी में भी कितने, अच्छा वो तो आप छोड़े ना, खुद अस्पताल ही है आपका तो उसमें आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने बड़े एक अच्छे अंदाज में इस असेंबली को, इस बजट सेशन को चलाया। यकीनी तौर पे हम इस बात पे बड़े मुतमईन हैं आज कि हम कोशिश करेंगे कि न सिर्फ इस असेंबली से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में जाए, बल्कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बलूचिस्तान के हर अज़िला की तरक्की, बलूचिस्तान के लोगों की खुशहाली, उनकी उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी सहूलत, इन सब के लिए बजट बनाया गया है। आप पढ़ें इसको, आप मेरी तकरीर सुनें, हमारे मेंबरान की तकरीर सुनें, आप हर इस किताब का तज्जिया लें और इस पे अपना फ़ैसला आप ख़ुद बनाएं और अपना इनफरादी फैसला बनाएं कि ये जो चीज़ें जो हुकूमत ला रही है या जो कर चुकी है, क्या ये बलूचिस्तान के लिए दुश्मनी का पैगाम है या दोस्ती का पैगाम है। इसका फैसला मैं इस आपके तवसुल से ये अवाम पे छोड़ता हूँ और पब्लिक पे छोड़ता हूँ कि वो इसका फैसला करें, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हमारे इस हॉल में आने का फैसला भी उनके हाथ में है और हक भी उन्हीं का बनता है कि हमारे मामलात में वो अपनी राय कायम करें, वो अपना फैसला दें और उनका जो फैसला होगा इंशाल्लाह हमें कबूल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जम साहब, आपने तफसील से सारे इश्यूज को रेज, टीम वर्क के तौर पर जिस तरह इन चीज़ें बेहतर हुई हैं। अपोजिशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बदमजगी सामने आया है और चीज़ें मतलब उस तरह बदतमीज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा उन्होंने असम्बली के जो एहतराम किया। मैं डिप्टी स्पीकर साहब का मशकूर हूँ कि उसने इस जो पैनल में थे उसने बड़े अच्छे अंदाज में उनसे, मैं अगर मुझसे कुछ ऐसी बहाल करने में लाजमी है कि मुझे सख्त स्टेप लेने पड़ते, सारे मेरे फोरम को बरकरार करने के लिए सख्त स्टेप उठाने पड़ते हैं। और जम साहब ये भी हमें फाइनेंस मिनिस्टर और यहाँ पे जो चेयर में जो भी होता है वो उसने फेस करना होता है, साथ साथ